So I'll take. Content start. आज का टॉपिक होगा हमारा एलजेब्रिक इनइक्वालिटी. टॉपिक का नाम डाल दे रहा हूं पहले, एलजेब्रिक इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी देखो, सबसे पहले धीरे धीरे आएंगे एलजेब्रिक इनइक्वालिटी पे. पहले पढ़ते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जहां से हम लोग एक स्टेप बनाकर इनइक्वालिटी पे पहुंचेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है. जैसे मान ले, पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? एक बात आती है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है. सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया तो फिर हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे, फिर और आगे कुछ पढ़ेंगे, फिर एक स्टेप आगे चले जाएंगे, और ऐसा करते करते एक दिन हम इनइक्वालिटी पे पहुंच जाएंगे. तो पहले पढ़ेंगे हम लोग मुश्किल से कुछ देर के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है. देख, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो, जैसे मान लो आपके पास कोई एक वेरिएबल है x. वेरिएबल का मतलब समझता है कोई भी एक ऐसी चीज जो चेंज हो, किसी की भी रेस्पेक्ट में चेंज हो. एनीथिंग कोई भी एक ऐसी चीज जो चेंज हो, और कोई ना कोई चेंज किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है, चाहे वो कैसे भी हो. कोई टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है, कोई स्पीड के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, कोई एयर के रेस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो सकती है, किसी के रेस्पेक्ट में भी. मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा था ना, मेरे को आती. तो एक्स एक वेरिएबल है और वो किसी भी रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है. वेरिएबल चेंज होता रहता है. जैसे मान ले अभी एक कार है, कार ने अभी स्टार्ट करी अपनी, जो भी क्या फिजिक्स का पढ़ा रहा हूँ मैं, चल छोड़ ऐसे समझाता हूँ. देख, एक कार है, मान ले कार ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो अभी वो जीरो था, मतलब टाइम भी जीरो है. जब वो चलने से बिल्कुल चलने वाली हुई, टाइम भी जीरो था, उसकी स्पीड डिस्टेंस भी जीरो थी. जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गई, मान ली 10 किलोमीटर हो गया, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा. तो वो जो उसकी डिस्टेंस थी वो चेंज हो गई, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो वो वेरिएबल कह सकता हूँ मैं उसको, समझ रहे हो उस डिस्टेंस को. तो कोई भी एक ऐसी चीज जो चेंज हो, मैथमेटिक्स में इसको ऐसे लिखा जा सकता है जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2. ये समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देख, ये 2 कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे तो जो मन करे वो कर दे. लेकिन ये वाला x है वो चेंज होता है. कैसे हो सकता है? तो x की वैल्यू 1 रख दे, हो सकता है तो x की वैल्यू 2 रख दे, हो सकता है तो x की वैल्यू माइनस का 3 रख दे, हो सकता है x की वैल्यू माइनस का पाई रख दे. कुछ भी रख सकता है, तेरी मर्जी है. इसका मतलब x कोई कुछ भी रख सकता है, तो कोई भी रियल नंबर रख सकता है. समझ रहे हैं? मतलब ये मैं ये नहीं सिखा रहा कि यहाँ पर क्या रख सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू तो रख सकता है ना तेरे पास, चाहे जो मन करे. चाहे तो इसकी वैल्यू 1 रख दे, चाहे माइनस का 3 रख दे, चाहे 2 रख दे, चाहे माइनस का पाई रख दे, जो तेरा मन कर रहा है वो तू रख रहा है. इसका मतलब ये एक्स देख चेंज हो रहा है. समझ रहे? ये चेंज हो रहा है किसकी? नंबर्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कि जो मेरा मन कर रहा है मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, कि जो मेरा मन करेगा मैं वो रख दूंगा. इसका मतलब ये एक्स है वो चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर एक्स क्या है? वेरिएबल है. ये समझ रहे? तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब वो कुछ इस तरीके की फॉर्म का लिखा हुआ हो. a नॉट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस ... an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n. ये समझ रहा है? जहां पर n बिलोंग करेगा तेरा नेचुरल नंबर, जहां पर n बिलोंग करेगा तेरा नेचुरल नंबर को. मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा जब वो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हो. y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, ऐसे करते करते कोई भी पावर तक लिखा हुआ हो, वो तेरा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा. जहां पर a नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 ऐसे ... कॉमा an तक, ये तेरे क्या है? ये कॉन्स्टेंट है. ये कोई भी कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जो मन करे वो हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट है. ये समझ रहा है? या कोई वो ही हो सकता है, मतलब अल्फाबेटिकल ही हो सकता है, जैसे ABCD भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है. तो इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट बोल दिया. ये अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, ABCD का रूप भी ले सकते हैं. ये समझ रहे हैं? अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट बोल दिया, कि कॉन्स्टेंट में सब आ जाएगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो ABCD, जो मन करे वो हो. लेकिन अगर कोई फंक्शन a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, ऐसे करते करते an x की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये समझ है? एग्जाम्पल दे देता हूँ. जैसे मान ले, तेरे सामने कल को लिखा हुआ सवाल मिल जाए यहाँ पर, कि यहाँ लिख देता हूँ. जैसे मान ले तेरे सामने कल को, अभी मैंने यही लिखा था, बिल्कुल जस्ट अभी लिखा था y इज इक्वल टू x प्लस का 2. अब ये क्या है? देख यहाँ पर ध्यान से देख,
प्लस कर टू, मैं डेनोट कर सकता हूँ इस ए नोट से, मैंने ए नोट की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर, टू लिख दिया, कोई दिक्कत है? सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर, वन, ये एक्स की पावर सबसे ज्यादा यहाँ पर वन है, और इस वाली डिजिट में भी देख एक्स की पावर वन, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, समझ रहा है? तो अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पर, तो मैंने ए नोट इज इक्वल टू टू लिखा हुआ है, समझ आया? और एक्स की पावर वन वाले में कंपेयर करूंगा तो ए वन की जगह मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो वन मान लूंगा, तो ए वन इज इक्वल टू मेरे पास वन आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर वन तो है, ये समझ रहा? तो एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन ले लूंगा, क्योंकि मैं एक्स की पावर देख वन तक गया हूँ, ऐसे करते करते मेरे को एन तक जाना था, और मैं कहां तक गया हूँ, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 तक, सब एक बार और रिपीट करता हूँ, मैं देख यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर जो है x की पावर n है, तो मेरे को करते करते इस वाली डिजिट में n तक जाना था, लेकिन मैं गया कहाँ तक हूँ, 1 तक, तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये समझ आया? तो अगर मैं इस डिजिट में ये वाली वैल्यू उठा के रख दूंगा, इस वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू उठा के रख दूंगा, तो मेरे को यही सेम टू सेम फंक्शन मिल जाएगा, ये समझ आया? मतलब पॉलीनोमियल फंक्शन है, जैसे y थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का फाइव या माइनस का फाइव ले ले, ये देख पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म का लिखा हुआ है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म का लिखा हुआ है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे मान ले एक और वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स की पावर सिक्स, और बस, और यहाँ मान ले मैं कुछ और लिख ही नहीं रहा, बस 7x की पावर 6 लिख दे रहा हूँ, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर x की पावर 6 तक मैं गया हूँ, जहां पर x की पावर 6 के अलावा बाकी सब डिजिट क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये लिखा हुआ है, ये समझ रहे हैं? तो मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो कुछ इस फॉर्मेट का लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, तेरा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये समझ आया? उसके बाद मैं इसे मिटो नहीं रहा, बस हल्का सा चेंज करता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन, मेरे को उम्मीद समझ आ गया होगा, बहुत हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। क्या अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, मैंने ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा, ये समझ रहे हैं, और मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने के बाद क्या करा, मैंने इस पूरे के पूरे फंक्शन को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ये समझ रहे हैं? किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखने के बाद मैंने अगर उसे इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, इसका मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी ने बोल दिया एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का सेवन एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जहां पर मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन लिखने के बाद उसे इक्वल टू जीरो में पुट कर दिया, तो वो इक्वेशन कहना चाहिए, इक्वेशन का मतलब यही होता है, समझ रहे हैं? इक्वेशन का मतलब यही होता है कि तूने जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसे इक्वल टू जीरो पुट कर दे। अगर इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि वो इक्वेशन किस पॉइंट पर एलिमिनेट हो जाएगी, समझ रहे हैं? जीरो का मतलब क्या होगी, खत्म हो गई, कि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे ऐसे पॉइंट भर दे ताकि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करे तो जीरो आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई, समझ रहे हैं? एलिमिनेट हो गई। तो अगर किसी भी फंक्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो वो इक्वेशन कहलाती है। मतलब मैं उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट भर दूं, एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख दूं ताकि वो इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। वैसे देख यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू अगर माइनस का टू रख दूंगा तो माइनस का टू प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के टू पर ये इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी, समझ आया? इसलिए x प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो मैं इक्वेशन बोलूंगा उसको। तो इक्वेशन का मतलब यही होगा कि तू किसी फंक्शन को क्या करेगा, जो भी तेरे पास चाहे कैसा भी फंक्शन हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे एल्जेब्रिकल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उस फंक्शन को तूने क्या करा, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो वो तेरे पास इक्वेशन कहलाएगी। अब ध्यान से देखिए, एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा पे काम कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड पे काम कर रहा है, तो इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ये समझ आया? इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तू एल्जेब्रा पे काम कर रहा है। अगर तू साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इस पे काम करता और उसे इक्वल टू जीरो पे पुट कर देता, तो फिर वो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। अगर तू लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता तो लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो लॉगरिथम इक्वेशन हो जाती है, समझ रहा है? अगर तू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो तेरे पास क्या हो जाता, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाती, या a की पावर x इज इक्वल टू पांच पुट कर देता तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाती। मतलब अगर एल्जेब्रा पे काम कर रहा है और उसे इक्वल टू जीरो पुट कर रहा है तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहा है, उसे इक्वल टू जीरो पुट कर रहा है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। लॉगरिथम पे काम कर रहा है, उसे इक्वल टू जीरो पुट कर रहा है तो वो लॉगरिथम है। एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहा है, उसे इक्वल टू जीरो पुट कर रहा है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल पे काम कर रहा है और इसे इक्वल टू जीरो पुट कर दे, ये अभी देख ये जीरो नहीं है लेकिन इसे जीरो बनाया जा सकता है। कब? जब ए की पावर
जब a की पावर x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये 0 बन जाएगी। इसका मतलब तब ये 0 बन गई, तो फिर भी तो ये देख इक्वेशन बन गई, इसने रूप तो इक्वेशन का ले लिया, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, समझ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है, किसी भी चीज को अगर इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, किसी भी फंक्शन को, चाहे वो फंक्शन कैसा भी हो, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे एल्जेब्रिकल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथम हो, चाहे कैसा भी फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, लोवेस्ट इंटीजर हो, चाहे जैसा फंक्शन हो, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे सबके बारे में, तो उस फंक्शन को अगर मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा तेरा एल्जेब्रिकल इक्वेशन, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, अब देख एल्जेब्रिक, देख पहले हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, समझ गए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन a नोट, फिर a1x, फिर a2x स्क्वायर, फिर a3x3, वैसे करते करते anx की पावर n की फॉर्म में लिखा हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, फिर अगर किसी भी फंक्शन को हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो वो इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद आता है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का मतलब देख, अगर कोई इक्वेशन, समझ रहा है, अगर तेरे पास मान ले कोई भी कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट मान लूंगा मैं, कोई भी इक्वेशन मान लूंगा, तो कोई भी स्टेटमेंट समझता है मैंने, चाहे मैथमेटिकली लिख दिया, चाहे उसको एल्जेब्रिकली लिख दिया, चाहे ऐसे थ्योरी बना के लिख दिया, चाहे जैसे मन करे वैसे लिख दिया, स्टेटमेंट हो गया वो। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी चीजें इंक्लूड करता हो, ये पढ़ा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सुना तो नहीं है बचपन में, सिर्फ अभी सुना है ना कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो अगर कोई स्टेटमेंट इन चारों चीजों में से किसी भी एक चीज को इंक्लूड कर लेता है, अगर कोई स्टेटमेंट इन चारों चीजों में से किसी भी एक चीज को इंक्लूड कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगी तेरी एल्जेब्रिकल इनइक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों को ही इनइक्वालिटी कहा जाता है। ये जो चार चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, इनको ही इनइक्वालिटी कहा जाता है, ये समझ रहे हैं, इनको ही इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन भी है। अब देख बड़ा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये बराबर का साइन भी लगा हुआ है, तो इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, लिख दे रहा हूँ फिर भी, अभी अब बात आ गई है तो लिख दे रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि अभी तो ये समझाना है ये कौन क्या होता है। ये वाला लेस देन और ये वाला होता है लेस देन और इक्वल टू। ये मैंने अभी लिखा है, अभी समझा ही नहीं है, इनका उल्टा भी होता है, मतलब इसको मैं लेस देन बोलूंगा आगे चल के, वो सब समझाऊंगा मैं, अभी छोड़ दी से मैंने बस लिख दिया अभी कि मेरे सामने बात आ गई थी। तो ये इन चारों चीजों को इनइक्वालिटी कहा जाता है, और अगर कोई स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मान ले इन चारों को इनइक्वालिटी कहा, और अगर कोई भी स्टेटमेंट इनको इंक्लूड कर लेता है तो मैं उसको इनइक्वालिटीज कहता हूँ। जैसे मान ले अगर एल्जेब्रा इंक्लूड कर रहा है, एल्जेब्रा मतलब एक्स वाई जेड ऐसी कुछ चीज इंक्लूड कर रही है, तो वो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी देख, जैसे एक्स प्लस का 2 एक एल्जेब्रा है, अगर मैंने कह दिया एक्स प्लस का 2 बड़ा है, इनमें से कोई भी चीज इंक्लूड कर दिया, कोई भी जो मेरा मन करे, मैंने कह दिया x प्लस का 2 बड़ा है 5 से, तो ये क्या है, ये एल्जेब्रा और ये इनइक्वालिटी लगा दी, तो इसको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी कहा जाएगा, ये समझ रहा है। मैंने कह दिया कि माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7 इज लेस देन 6, माइनस का 6 मैंने ये बोल दिया कि माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7 इज लेस देन माइनस का 6, तो देख क्या कर रहा है, ये एल्जेब्रा है, और मैंने कह दिया कि इस एल्जेब्रा जो है ये लेस देन है किससे, इनइक्वालिटी लगा दिया मैंने, ये एल्जेब्रा लगा दिया और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लगा दी, तो इसको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी कहूंगा, मतलब मैं उसमें एल्जेब्रा भी लगा रहा हूँ और इनइक्वालिटी भी लगा रहा हूँ, इसलिए उसको एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी कहा जाएगा। अब जरूरी नहीं है एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी हो, ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटी हो सकती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी हो सकती है, मैं इसे रफ करता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी हो सकती है, किसी ने कहा कि बताओ जो साइन एक्स है वो 6 से छोटा कब होता है, सवाल तो सवाल है, चाहे जो भी हो, साइन एक्स जो है 6 से लेस देन कब होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ और लेस देन ग्रेटर देन इनका यूज कर रहा हूँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है। किसी ने कहा कि बताओ 2 की पावर एक्स छोटा कब होता है 10 से, तो ये पावर की पावर है, तो ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है। उसके अलावा किसी ने बोल दिया कि बताओ log x जो होता है वो 10 से बड़ा कब होगा, तो ये logarithm inequality है, मतलब inequality में चाहे सवाल देखो किस चीज पे, कैसा सवाल है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो logarithm है, वो trigonometrical है, वो exponential है कि वो algebraical है, कैसा सवाल है, तो उसको वैसे ही नाम दे दिया जाएगा। अगर trigonometrical है तो उसको बोलेंगे trigonometrical inequality,
अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, अगर लोगारिथम है तो उसको बोलेंगे लोगारिथम इनइक्वालिटी, अगर एलजेब्रिक एलजेब्रिक बोला हुआ है तो इसका मतलब पक्का एलजेब्रा पे काम हो रहा होगा, पक्का एक्स वाई जेड, या मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे एक्स वाई जेड, एलजेब्रा में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशंस क्रिएट हो सकती है, तो उसमें मतलब एलजेब्रिक पे काम हो रहा होगा तो वो एलजेब्रिक इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये समझ आया? तो इसका मतलब पहले मैं बता रहा था तेरे को एलजेब्रिक इनइक्वालिटी क्या होती है। अगर किसी भी फंक्शन में जो एलजेब्रा हो, मतलब कोई भी एलजेब्रिक फंक्शन हो, अगर मैंने उसमें सिर्फ इन चार चीज का यूज कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से अगर मैं कोई भी एक कंडीशन यूज कर रहा हूं तो उसको मैं एलजेब्रिकल इनइक्वालिटी कह दूंगा। यहां तक समझ आया तेरे को? पक्का? अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, देख बचपन में ये पढ़ते आते थे। हाँ, अब मैं नाम लिखूंगा और अब मैं समझाऊंगा। देख, पहला पॉइंट आता है कि ग्रेटर देन। अब देख, इसको मैंने नाम लिखते वक्त ही बोल दिया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इसका मतलब अगर कहीं मेरे को ऐसा सिंबल मिल जाएगा तो वो ग्रेटर देन है। अब जैसे मान ले मैंने बोला कि x ग्रेटर देन है 5 से, मैंने बोला x बड़ा है 5 से, तो पता x कौन कौन से होंगे, मतलब मेरे को वो सारे नंबर, x का मतलब क्या है, कोई नंबर है, अगर मैं यहां पर नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूं तो, या कोई भी रियल नंबर लेके चल रहा हूं तो, मैंने कहा मेरे को x वो, मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं अभी, मैंने कहा x वो सारे नंबर है जो क्या है 5 से बड़े हैं, तो बता वो नंबर कौन कौन से होंगे। अब कोई भी जानता है कि जो 5 होता है उससे बड़ा नंबर एक तो 6 होता है, एक 7 होता है, एक 8 होता है, एक 9 होता है, ऐसे कर करके बहुत सारे नंबर होते हैं। तो x से ग्रेटर देन 5, मतलब इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन x इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मतलब अगर x तेरा 5 से बड़ा है तो x की वैल्यू तेरी 6 7 8 9 10 इनमें से कुछ भी हो सकती है अगर नेचुरल नंबर होगा तो। तो ये तूने बता दिया कि मेरे पास ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगा दी, मैं यहां पर मैंने पूछा ग्रेटर देन, समझ रहा है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 5 से, ये समझ आया? तो ये ग्रेटर देन का सिंबल था, और अगर ऐसा सिंबल आता है तो क्या करता है, बड़ी वैल्यू बताता है, ये समझ आया, उससे बड़ी वैल्यू बताएगा। अब बात आती है कि हमेशा जरूरी नहीं है मैं इधर का सिंबल के लिए ग्रेटर देन ही आ जाए, मेरे पास ऐसा भी हो सकता है 5 ग्रेटर देन x, अब क्या करेगा, अब थोड़ी x की वैल्यू बड़ी बताएगा, 5 से की 5 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू होती है। अब देख क्या बोल रहा है वो, कि कह रहा है नेचुरल नंबर के लिए अभी बात करो, मैं हमेशा भी नेचुरल नंबर के लिए बात करूंगा, तो कह रहा है 5 जो है बड़ा है x से। अब 5 x से बड़ा है, इसका मतलब सोच कि तेरे को ऐसे सारे नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हो, ढंग से देख, उसने बोला 5 बड़ा हो x से, मतलब तू जितने भी नंबर x लेगा उनमें वो मतलब वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 5 से छोटे होने चाहिए। कंडीशन पढ़ के देख, 5 इज ग्रेटर देन x, तूने जो भी नंबर लिया 5 उनसे बड़ा होना चाहिए, इसका असली मतलब क्या है कि तू वो सारे नंबर ले ले जो 5 से छोटे हो, समझ रहे हो? उसका बोलने का तरीका अलग है लेकिन पाथ एक ही है, उसका रास्ता एक ही है। वो कह रहा है 5 इज ग्रेटर देन x, मतलब जितने भी नंबर तू लेगा उन सबसे 5 क्या होना चाहिए, तेरा बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब तू 5 से छोटे सारे नंबर ले ले, बोलने का तरीका अलग है बाकी रास्ता तो एक ही है ना। तो जरूरी नहीं है इसका यूज ग्रेटर देन के लिए हो, इसका यूज लेस देन के लिए भी हो सकता है, ये समझ रहे हैं? तो देख, अब इसका यूज लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, एक पॉइंट पर, कोई भी इनइक्वालिटी बनी होगी उसमें एक होता है ये वाला पॉइंट और एक होता है ये पॉइंट, इसको मैं अपनी तरफ से क्लोज पॉइंट बोलता हूं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और इसको मैं अपनी तरफ से ओपन पॉइंट बोलता हूं, ओपन पॉइंट, कि ये क्लोज पॉइंट है ये ओपन पॉइंट है। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लोज पॉइंट लगा होता है तो पक्का वो चीज छोटी है। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने देख क्या बोल दिया, किसी भी इनइक्वालिटी, चाहे वो इनइक्वालिटी ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो और चाहे वो ऐसी हो, इसमें भी ये क्लोज पॉइंट है ये ओपन पॉइंट है। तो किसी भी इनइक्वालिटी की तरफ, किसी भी फंक्शन की तरफ, किसी भी फंक्शन या नंबर की तरफ अगर क्लोज पॉइंट लगा हुआ है तो फिर वो छोटा है, तो फिर वो छोटा है, और अगर किसी भी फंक्शन की तरफ ओपन पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब वो बड़ा है। जिस फंक्शन की तरफ ओपन पॉइंट है वो बड़ा है और जिस फंक्शन की तरफ क्लोज पॉइंट है वो छोटा है। जैसे मान लें मैंने भी अभी यहां लिखा था 5 ग्रेटर देन x, अब x की तरफ क्लोज पॉइंट है मतलब x छोटा है, 5 की तरफ ओपन पॉइंट है मतलब 5 बड़ा है, समझ रहा है? तो तेरे को वो सारे नंबर x लेने हैं जो 5 से छोटे हो। उसने बोला x इज ग्रेटर देन 5, अब देख 5 की तरफ छोटा वाला पॉइंट लगा है इसका मतलब 5 छोटा है, x की तरफ बड़ा वाला ओपन पॉइंट लगा है इसका मतलब x बड़ा है, तो तेरे को वो सारे नंबर लेने हैं जो 5 से बड़े होंगे। उसने कहा 3x प्लस का 3x इज ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6, ये वाला पॉइंट हो गया मैंने। अब 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 6 बोल रहा है, अब ध्यान से देख 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6 में क्या करेगा,
ये जो क्लोज पॉइंट है वो तो 6 की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस का 6 छोटा है, और ये 3x जो है वो तो ओपन की तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बड़ा है, समझ रहा है? ये ओपन पॉइंट है इसका मतलब 3x बड़ा है, ये क्लोज पॉइंट है मतलब ये 6 छोटा है। तो तेरे को वो सारे नंबर यहाँ पर 3x 3 के मल्टीपल के लेने हैं जो माइनस के 6 से बड़े हो, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी समझ रहे हैं क्लोज पॉइंट और ओपन पॉइंट का मतलब, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर तेरे पास जितने भी नंबर आने चाहिए वो बड़े आने चाहिए, किससे? इससे, क्योंकि बड़ा जो होगा वो छोटे से बड़ा ही होता है। ये समझ आया? बड़ा छोटे से बड़ा होता है, कंफ्यूज मत हो, समझ आया? तो ये मेरे को बताना था क्लोज पॉइंट और ओपन पॉइंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको मैं ग्रेटर देन के लिए ही यूज करूं, अगर मैंने उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया, जो यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख दिया, जो यहाँ लिखा था उसको यहाँ लिख दिया, तो वो लेस देन में भी बदल जाता है, ये समझ आया? लेकिन कंडीशन मेरे पास नाम हमेशा ग्रेटर देन ही रहता है, समझ रहा है? इसका नाम अगर हमेशा इस तरफ है तो ये हमेशा ग्रेटर देन ही रहता है, इसका नाम ही है ग्रेटर देन, ये नाम चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं चीज को? मैं यहाँ पे शुद्ध तरीके से लिखूंगा अभी यहाँ पे, देखो समझाना था, समझा रही है तेरे को? एक बार और लिखूंगा तो अच्छे से आ जाएगा कि इसका नाम होता है ग्रेटर देन हमेशा। उसके बाद मेन चीज, मेन पॉइंट यहाँ पर बस यही होता है कि इस वाली कंडीशन में ये तेरा क्लोज पॉइंट होता है, अब लिखता भी रहे अगर लिख रहा है तो, और ये वाला तेरा ओपन पॉइंट होता है, किसी ओपन पॉइंट होता है, किसी भी कंडीशन की तरफ अगर क्लोज पॉइंट लगा होता है तो वो छोटा होता है, और अगर किसी भी कंडीशन की तरफ ओपन पॉइंट लगा होता है उसका मतलब वो चीज बड़ी होती है। ये तेरे को समझ आया? क्लोज पॉइंट लगा है मतलब छोटा है, और ओपन पॉइंट लगा है मतलब वो बड़ा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ये कोई रट्टा नहीं मारना, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मान ले मैं बोलूंगा कि मुझे यहां से लेकर दिल्ली जाना है, तो मैं अपने रास्तों को रिप्रेजेंट करूंगा कि पहले यहां से वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वैसे ही मैथमेटिशियन ने भी उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज करा। अगर कोई बोलता है कि 5 जो है वो बड़ा है 2 से, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस सिंबल से, समझ आया? तो ये सिंबल के बारे में बता रहा हूँ, कोई रटवा नहीं रहा कि क्लोज पॉइंट लिखा है तो मैंने उसको छोटा बोल दिया, ओपन लिखा है तो बड़ा लिख दिया, ये कोई रट्टा नहीं है, ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करेगा ऐसे, समझ रहे हैं? कि अगर कहीं पर 5 बड़ा है 2 से, तो मैं उसको लिखने के अच्छा है मैं उसको ऐसे सिंबल से यूज कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सिंबल को ज्यादा फॉलो करती है, ये समझ रहे हैं? तो मैंने इसको बोल दिया कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो इसकी तरफ क्लोज पॉइंट लगा है तो ये वाला छोटा होगा, और इसकी तरफ ओपन पॉइंट है तो ये वाला बड़ा होगा, ये तेरे को समझ आया? तो ऐसा बोल दिया, रटना नहीं है ये वाला, ये समझ आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आता है ऐसा और ये वाला, इसका मतलब देख क्या है, ये बराबर का साइन सुना हुआ है तूने? हाँ ठीक है, इक्वल टू का साइन, देख या तो वो बड़ा है कंडीशन में, कोई भी नंबर, अच्छा कोई भी नंबर बता, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से, देख सोच, या तो वो बड़ा होगा, कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, इन तीन के अलावा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इन तीन में से कोई ना कोई एक होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ना कोई एक होगा, कि या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा या वो बराबर होगा, कोई दो भी नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा तीनों में से, या तो बड़ा या तो छोटा, छोटा और फिर या तो बराबर, तीनों में से कोई एक होगा, तीनों दो भी नहीं हो सकता, तीन तो होने के कोई चांस ही नहीं है, कोई एक कंडीशन होगी, इसका मतलब वो कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या फिर बराबर है, कोई नंबर या तो यही होगा, समझ रहा है? जैसे मान ले तेरे पास लिखा हुआ है अभी भी यही, ये क्लोज पॉइंट है, क्लोज पॉइंट का मतलब ये छोटा है, अगर मैं इसका यूज करूंगा तो क्लोज पॉइंट है, और ये ओपन पॉइंट है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर मैं इसका यूज करूंगा इनइक्वालिटी का तो, लेकिन अगर मैं इसका यूज करूंगा नीचे वाले का, मतलब कोई चीज या तो ये होगी या तो ये होगी, इसका मतलब दो चीज है कि या तो वो बड़ा ही होगा या तो वो बराबर ही होगा, इनमें से कोई एक होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, अगर वो ग्रेटर देन होगा तो फिर मैं इसका यूज करूंगा, अगर वो बराबर होगा तो मैं इसका यूज करूंगा, लेकिन फाइनली उसे लिखा ऐसे ही जाएगा। जैसे देख 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 कंफ्यूज मत हो, जैसे देख मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब इसमें से मैंने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको गलत नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने दो सिंबल का यूज करा है, एक तो ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, एक तो ग्रेटर देन ये वाला सिंबल और एक इक्वल टू ये वाला सिंबल, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर दो है कि या तो 5 ग्रेटर देन 3 होगा फिर या तो 5 बराबर होगा 3 के,
अब ये समझ रहे हैं। अब ये वाली कंडीशन तो गलत है, ये तो फॉलो होगी नहीं, इसका मतलब ये सही है और ये वाली सही है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, लिखूंगा तो इसी तरीके से, लेकिन सही कोई एक ही होगी, समझ रहे, कोई दूसरी सही नहीं हो सकती। लेकिन उसको लिखा, अगर उसने सामने से लिख के दे दिया कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मैं उसको वैसे ही लिखूंगा, कोई चेंज नहीं कर सकता मैं उसमें, इस चीज को तो समझ रहे। जैसे उसने बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब मेरे को x 3 के बराबर भी लेना है, क्योंकि देख उसने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसने बोला तेरे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब उसने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 3 और उसने बोल दिया x इज इक्वल टू 3, ये दो कंडीशन बोल दी। तो अब x इज ग्रेटर देन 3 होगा या फिर अब x इज इक्वल टू 3 होगा, तो सिर्फ दो चांस है तेरे पास, कि या तो तू x को 3 से बड़ा बोलेगा या तो तू x को 3 के बराबर बोलेगा, ये समझ रहा है। इसका मतलब या तो ये बोलेगा या तो ये बोलेगा, अब कंडीशन आती है कौन बोले, वो पहले बोल रहा बोले, वो पहले बोल रहा बोले, तो काम करेंगे हम दोनों ले लेंगे, कि हम 3 के बराबर भी ले लेंगे और 3 से बड़ा भी ले लेंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 3, 3 के बराबर है, अगर मैं नेचुरल की बात करूंगा तो 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 ये वाले नंबर है, ये तेरे को समझ आया, तो कोई दिक्कत है। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये तेरे क्या आ गए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोला जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब कंडीशन कौन सी आएगी, अब मेरे को x तो पता नहीं है, अगर x मेरे को पता होता 5, 6, 7 तो फिर तो कोई एक कंडीशन सही होती, लेकिन अभी तो x पता नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों ले लेंगे, तो इसलिए x 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये फॉलो करेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा तो फिर ये फॉलो करेगा, ये समझ रहे। तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कोई दिक्कत है, ऐसे इसका उल्टा लेस देन वाला। अब जरूरी, अब देख एक चीज और, अभी जैसे मैंने ये बताया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है, लेकिन अगर इसको बोलेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो गई, अगर कंडीशन चेंज हो गई तो फिर सवाल उल्टा भी हो सकता है। जैसे उसने बोला 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, 3 is greater than or equal to x, इसका मतलब देख अभी भी इसका नाम है तो greater than equal to ही, लेकिन अब x की तेरे को वो सारी वैल्यू लेनी है जो छोटी है, क्योंकि x की तरफ क्लोजर पॉइंट आ गया, ये तो समझ रहे हैं। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि तू हमेशा, अगर इस तरफ ऐसे लिखा हुआ है तो तू हमेशा बड़ी वैल्यू लेकर ही आ जाए ना, अगर ऐसे लिखा हुआ इस तरीके से तो पहले देख किसकी तरफ क्लोजर है, किसकी तरफ ओपन है, और फिर उसके ऊपर काम कर, समझ रहे हैं। ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा, कि सीधा अगर इस तरफ मुंह लगा हुआ इधर की तरफ तो तू बड़ी वैल्यू लेकर आ जाए, लिख के आगे बढ़ जाए, ये गलत हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा तेरे को किसकी तरफ क्लोजर है और किसकी तरफ लेसर है। ऐसे कुछ तीसरा पॉइंट आता है लेस देन, तीसरा पॉइंट आता है लेस देन, लेस देन का सिंबल तो तेरा यही वाला होता है, फिर से यही, ये ओपन पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जिस तरफ होगा वो बड़ा होगा, और ये क्लोजर पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जिस तरफ होगा वो छोटा होगा। ये क्लोज पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है, तो ये उसकी तरफ होगा बड़ा होगा, ये जिसकी तरफ होगा छोटा होगा। कंडीशन में देख सवाल इस तरीके से दे देगा, जैसे उसने बोला 3 छोटा है 7 से, 3 is less than 7, इसका मतलब 3 छोटा है 7 से, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। लेकिन उल्टा कर दे, नंबर चेंज कर दे, कहते 7 is less than 3, क्या बोलेगा, 7 is less than 3, ठीक है, नाम तेरा वही रह गया, नाम तेरा उसने ये बोल दिया कि 7 is less than 3, नाम तो मतलब ये सवाल अभी सही नहीं है, लेकिन जैसे मान ले x होता वो, उसने बोला 3 is less than x, समझ रहा है, और यहाँ बोल दिया x is less than 3, तो देख 3 is less than x, नाम तेरा अभी भी लेस देन था, नाम तेरा अभी भी लेस देन था, लेकिन x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि उसने बोला है कि 3 से मतलब जितने भी नंबर यहाँ तू लेगा वो सारे क्या होने चाहिए, 3 से बड़े होने चाहिए, कैसे, क्योंकि देखो उसने बोला है 3 is less than x, 3 छोटा है x से, इसका मतलब x में वो तो सारे नंबर ले लेगा जो 3 से बड़ा हो, बोलने का तरीका सोच, उसने बोला 3 is less than x, 3 छोटा है x से, इसका मतलब तू वो सारे नंबर ले लेगा x जो बड़ा होंगे 3 से, बोलने का तरीका देख, उसको प्रोनाउंसिएशन करेगा तो आएगा, तो वो सारे नंबर तेरे पास 4, 5, 6 होंगे। वैसे उसने बोला यहाँ पर x is, अगर मैंने चेंज कर दिया तो x is less than 3, अभी भी नाम तो इसका 3 ही था, सॉरी नाम तो इसका अभी लेस देन ही था, इनइक्वालिटी का नाम तो चेंज नहीं होगा ना, किसी का नाम कुछ रख दिया है तो वो तो चेंज नहीं होगा ना, बस उसके तो करतूते हरकतें चेंज होंगी। तो यहाँ पर उसने बोला था 3 less than x, अब यहाँ बोलेगा x is less than 3, इस बार x छोटा है, इसका मतलब इस बार तो वो सारे नंबर ले लेगा जो 3 से छोटे हो,
एक्स इज लेस देन थ्री, एक्स छोटा है तीन से, इसका मतलब तो वो सारे नंबर एक्स ले लेगा जो तीन से छोटे हो, तो वो आ जाएगा एक और दो, अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो, वरना रियल तो आगे चलता चला जाएगा, वो मैं अभी नहीं समझा रहा, ये समझ आया? तो एक्स इज लेस देन थ्री, इसका मतलब तेरे पास एक्स वो सारे नंबर आ जाएंगे जो तीन से छोटे हो, तो ये समझ आया? तो तेरे को अभी भी देखना तो यही पड़ा ना किसकी तरफ क्लोजर था किसकी तरफ ओपन था, जिसकी तरफ क्लोजर था वो छोटा है, तीन की तरफ क्लोजर है इसका मतलब तीन छोटा है तो तीन से बड़े सारे नंबर लेगा, x की तरफ क्लोजर है मतलब x छोटा है, तीन की तरफ ओपन है मतलब तीन बड़ा है, तो अगर तीन की तरफ तीन बड़ा है तो इसका मतलब कोई चीज बड़ी कब होगी, जब उससे छोटे सारे नंबर मैं ले लूंगा, ये समझ आया तेरे को? ऐसे एक पॉइंट और आता है आखिरी पॉइंट है लास्ट फोर्थ इसका, कि लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब भी वही होगा कि या तो वो लेस देन होगी या तो वो इक्वल टू होगी, कंडीशन को ये होगी कोई चीज या तो लेस देन हो सकती है किसी नंबर से या तो कोई चीज उसके बराबर हो सकती है, दोनों की दोनों तो हो नहीं सकती, जैसे मान लो उसने बोला कि सात इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू दो, सेवन इज लेस देन और इक्वल टू टू, इसका मतलब सात या तो दो से छोटा है या तो सात दो के बराबर है, कंडीशन को ये होगी कि या तो सात दो के बराबर छोटा होगा या तो सात जो है दो के बराबर होगा, चाहे जो अभी मैंने देख रहा कौन क्या सही है, लेकिन कोई फॉलो एक ही होगा, या तो कोई नंबर किसी से छोटा होगा या तो कोई नंबर किसी के बराबर होगा, ये समझ आया? लेकिन अगर ये काम तेरे को अभी नहीं पता, जैसे मान ले सात की जगह मैंने रख दिया x, मेरे को नहीं पता x इज लेस देन इक्वल टू टू, कि x वो सारे नंबर बताओ जो x x में वो सारे नंबर बताओ जो या तो दो से छोटे हो या फिर दो के नीचे वाला बराबर हो, ये समझ रहा है? तो कोई नंबर दो के बराबर होगा वो खुद दो है, क्योंकि दो ही दो के बराबर हो सकता है, और कोई नंबर दो से छोटा होगा तो वो सिर्फ एक है, और तो अभी कोई नहीं है, तो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक और दो ले लिया, ये समझ आया? होल नंबर बोलता तो जीरो भी ले लेता, और इंटीजर बोलता तो माइनस वाले भी, और रियल ले लेता तो दो से छोटे सारे बोल देता, तो वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ आया तेरे को एक्स इज लेस देन इक्वल टू दो का मतलब कि या तो वो नंबर दो के बराबर हो या नंबर दो से छोटा हो, अब कोई नंबर दो के बराबर कब होगा, जब वो खुद दो होगा, और कोई नंबर दो से छोटा कब होगा, जब मैं पक्का वन लूंगा, ये समझ आया? तो ये चार पॉइंट थे तेरे को, मेरे को उम्मीद समझ आ गया होगा, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, बस पॉइंट यहाँ पर ये होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी तरफ क्लोज है किसकी तरफ ओपन है, प्रोनाउंसिएशन करना आ जाएगा सवाल आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता सवाल नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। अब देख, अब चलता है एल्जेब्रिकल इनइक्वालिटी, जैसे हल्का सा सॉल्व करते हैं, देख अब थोड़ा सा सोच, छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरवल पढ़ा है तूने, इंटरवल पढ़ाओ नहीं रहा मैं, पढ़ा नहीं रहा मैं यहाँ पे, सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड बताऊंगा तेरे को, 10 सेकंड का पढ़ा नहीं रहा मैं यहाँ पे, इंटरवल ऐसे लिखा जाता है a कॉमा b, क्योंकि मैंने फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, सेट में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इनइक्वालिटी पढ़ाने आया हूँ, आदत कम से कम 15-20 मिनट इंटरवल में चला जाएगा। देख, इंटरवल a कॉमा b के फॉर्म में लिखता है, जहां पर ये वाला याद आ रहा होगा, जहां पर ये वाला क्रॉस पॉइंट होते हैं, अगर वो इंटरवल इस तरीके से लिखा है a कॉमा b की फॉर्म में, तो ये वाले तेरे ओपन पॉइंट होते हैं, अगर क्लोज पॉइंट है तो ये वाला इंक्लूड करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है, और अगर ये वाला पॉइंट है तो इंक्लूड नहीं करा जाता, इंक्लूड नहीं करा जाता, जैसे उसने बोला कि माइनस, जैसे उसने बोला दो से लेकर इन्फिनिटी और दो पे लगा दिया क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब दो को तो इंक्लूड करेगा, तो दो को लेके चलेगा और फिर दो के बाद जितने भी नंबर आते हैं, जैसे मान ले ये दो है, तो दो के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो सारे ले लेगा, तो वो रियल नंबर की बात कर रहा है, और इन्फिनिटी पे हमें ऐसा ओपन लगता है क्योंकि इन्फिनिटी नहीं पता तेरे पास कौन सा नंबर है, क्या चीज है, कौन सा सिंबल है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इन्फिनिटी पे ओपन लगता है, और इस पे कंडीशन के हिसाब से लगेगा, क्लोज लगेगा वो लगेगा या ओपन लगेगा वो अब बताऊंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है ग्रेटर देन इस तरीके से करके क्लोज इंटरवल, इसका मतलब तेरे को दो को इंक्लूड करना है, ये समझ आया? और ऐसे यहां पर मान ले ओपन आता, तो ओपन के लिए भी बता दे रहा हूं, ओपन के लिए भी कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे मान ले दो ग्रेटर ऐसे इन्फिनिटी, इसका मतलब दो नहीं लेना, दो के जस्ट बाद, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है रियल लाइन पे, कि दो को नहीं लेना, दो के जस्ट बाद जो नंबर आते हैं वो सारे नंबर ले लेने हैं, ये समझ आया तेरे को? तो ऐसे बोला जाता है कि दो से लेकर इन्फिनिटी, मतलब दो को नहीं लेना क्योंकि दो पर ओपन है, और दो के बाद जितने भी नंबर आते हैं वो सारे तेरे को इंक्लूड कर लेने हैं। अब मैंने क्यों बताया वो इसलिए, इंटरवल याद दिलाया, बताया तो है नहीं, बताना नहीं है मेरे को यहाँ पे, देख इंटरवल देख, चार पॉइंट बताए थे, एक तो बताया था ग्रेटर देन, दूसरा पॉइंट बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा पॉइंट बताया था लेस देन, चौथा पॉइंट बताया था लेस देन और इक्वल टू। देख, अगर कहीं पर भी ग्रेटर देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू का साइन नहीं लगा,
जैसे यहाँ पर देख, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में इक्वल टू का साइन नहीं लगा, तो जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसी वाली सिचुएशन में ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं, जहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा, ऐसी वाली कंडीशन में हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसका मतलब उसके बराबर नहीं लेना, या तो उससे बड़ा लेना है या तो उससे छोटा लेना है, बराबर नहीं लेना। और ऐसी वाली कंडीशन में जहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है उसमें हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है बराबर भी लेना है और उससे बड़ा या छोटा भी लेना है। समझ रहा है? बराबर लेना है तो फिर तो वो लेके ही चलेंगे, और बड़ा या छोटा लेना है तो वो तो देख लो क्या क्या लेना है, ये समझ रहे? तो इसमें क्लोज का यूज करते, क्योंकि क्लोज में जो होता है हम लोग वैल्यू को लेके चलते हैं, लेके चलना है, लेके चलते हैं, और जो ओपन ब्रैकेट होता है उसमें नहीं लेना, लेके नहीं चलते, ये समझ रहे? तो जो क्लोज ब्रैकेट होता है उसमें लेके चलते हैं, लेकिन जो ओपन ब्रैकेट होता है उसमें नहीं लेके चलते, ये समझ है? तेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका रीजन पता होना चाहिए छोटे छोटे पॉइंट का। अगर किसी चीज को रटता है तो फिर तू भैया बेकार है, अगर किसी भी चीज को रट लेता तो तू बेकार है, लेकिन अगर हर चीज का पता होना चाहिए क्या क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो अच्छा है, वरना तो भैया तुम अभी टेस्ट में पास हो जाओगे 10/10 लाके और फिर बाद में बैठे रहोगे। आगे बढ़ता हूँ, देख अब बताता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी और हैं बेसिक चीजें, जैसे देख थ्योरी, मैं पूरी वीडियो में थ्योरी तो बताता हूँ, सवाल कहाँ करवाता हूँ, फिर भी देख 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 देख, बस उसने बोला पांच बड़ा है किससे, मैंने कहा दो से, कहता चल ठीक है पांच बड़ा है दो से, मैंने कहा क्यों बताया ये, कह रहा बस सुनता जा पांच बड़ा है दो से, मैंने लिख दिया, मैंने कहा चल ठीक है लिख दिया, अब बता। तो कह रहा है अगर पांच बड़ा है दो से तो दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, अगर पांच बड़ा है दो से तो दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का पांच, ये हो जाएगा माइनस का दो, और उसने लिख दिया ऐसा, क्या ये बात सही है? पांच बड़ा था दो से, चल ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का पांच माइनस का दो, क्या ये चीज सही है? क्या ऐसा बोलना मेरा सही है कि माइनस का पांच बड़ा होता है दो से, माइनस के दो से? गलत है ये तो, माइनस का पांच तो माइनस के दो से छोटा होता है, इसका मतलब इनइक्वालिटी तो ये वाली यूज होगी। तो क्या देखा तूने कि तेरे पास कोई भी नंबर था और उसमें तूने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। एग्जांपल देता हूँ, एक और ले ले, जैसे ये पहला था, दूसरा ले, जैसे कहता है कि सात बड़ा है माइनस के तीन से, चल ठीक है सात बड़ा है माइनस के तीन से मानता हूं, मैंने क्या करा माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस का सात प्लस का तीन, तो माइनस का सात क्या हो गया प्लस के तीन से, छोटा हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अगर सात बड़ा है माइनस तीन से, मानता हूं मैं माइनस के तीन से सात बड़ा होता है, लेकिन मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस का सात बन गया और ये प्लस का तीन बन गया। अब माइनस का सात जो होता है वो प्लस के तीन से छोटा होता है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। ये चीज समझ आया? ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है दस, यहाँ पर लिखा है दो, तो मैंने कहा दस बड़ा है दो से, कहता चल ठीक है दस बड़ा है दो से, मैंने कहा माइनस के दो से डिवाइड कर दे, तो माइनस के दो से डिवाइड करने पर ये माइनस का पांच हो जाएगा और ये माइनस का एक हो जाएगा, और माइनस का पांच माइनस के एक से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मतलब मेरे पास रिजल्ट ये आता है कि अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दूं, जब मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया तो मुझे डिवाइड वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं बाय ए नेगेटिव नंबर से, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज हो जाएगी। अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरी इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये समझ आया? दूसरा देख उसके बाद, जैसे पांच बड़ा होता है एक से, पांच बड़ा होता है एक से, मैंने कहा क्या कर, इसको उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे। कहता रिवर्स का मतलब यहां से, हाँ मैंने कहा नहीं,
जो चीज न्यूमिनेटर में थी उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दे और जो चीज डिनोमिनेटर में थी उसको न्यूमिनेटर में चेंज कर दे। तो अगर उसने कहा है कि पांच बड़ा होगा एक से, मानता हूं मैं पांच बड़ा होगा एक से, लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो उल्टा करने का मतलब रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा एक बटे पांच और ये एक बटे एक का मतलब एक ही होता है। तो फिर एक बटे पांच एक से क्या, मैंने कहा छोटा, तो फिर से क्या हुआ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। एक और एग्जांपल, छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा, दो छोटा होता है तीन से, चल ठीक है दो छोटा होता है तीन से, उल्टा कर दे एक बटे दो एक बटे तीन, क्या हुआ एक बटे दो का मतलब 0.5, एक बटे तीन का मतलब 0.333 कुछ इस तरीके से, ये समझ रहे हैं। तो 0.5 बड़ा हो गया 0.33 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये समझ रहे हैं। इसका मतलब दूसरा रिजल्ट क्या आता है तेरे पास, कि अगर तूने किसी भी इनइक्वालिटी को इनवर्स कर दिया, उसको उल्टा कर देगा तो भी तेरे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, और सॉरी, एंड इफ यू रिवर्स एन इनइक्वालिटी बाय न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके न्यूमिरेटर से, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर से, एंड डिनोमिनेटर से, एंड डिनोमिनेटर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल ऑल्सो चेंज, वो भी चेंज हो जाएगी। अगर तो किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा किसी नेगेटिव नंबर से, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, एंड इफ यू एंड इफ यू रिवर्स एन इनइक्वालिटी बाय एन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट्स इनइक्वालिटी विल ऑल्सो चेंज्ड। समझ आया? दोबारा, अगर किसी इनइक्वालिटी को तो रिवर्स कर देगा उसके न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर से, तो उसका साइन चेंज होगा, और अगर किसी इनइक्वालिटी में तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा तो उसका साइन चेंज होगा। समझ आया? उसके बाद आगे देख, छोटी छोटी चीजें यार काम आती है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहीं पे, बेसिक से सवाल हो चुका है इनइक्वालिटी के बारे में। अब देख, क्वेश्चन नहीं, अभी तो कुछ और बचा हुआ है। जैसे मान ले तेरे पास कोई इनइक्वालिटी है, एग्जाम्पल ले देते हैं, पांच बड़ा है दो से। सर हर बार एक ही एग्जाम्पल लेते हो, चल ठीक है पांच बड़ा है दो से, मैंने कहा ठीक है पांच बड़ा है दो से, कह रहा है इसमें सात जोड़ दे, मैंने कहा सेवन, कह रहा हाँ सेवन जोड़ दे, तो ये हो गया प्लस का सेवन, ये भी हो गया प्लस का सेवन। तो मैंने कहा चल सेवन जोड़ दूंगा, तो इसको ऐसे लिख दूंगा पांच और पांच प्लस का सात, और ये वाला हो जाएगा दो प्लस का सात, तो पांच और सात हो जाएगा बारह, और सात और दो हो जाएगा नौ, और बारह बड़ा होता है नौ से, मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ, सेम टू सेम रह गया। मैंने किसी नंबर में अगर कोई नंबर जोड़ दिया, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर मैंने कोई नंबर जोड़ दिया तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। उसी तरीके से पांच बड़ा है दो से, मैंने इसमें से दस घटा दिया, यहां भी पांच माइनस का दस कर दिया, यहां पर भी दो माइनस का दस कर दिया, तो पांच में से दस गया माइनस का पांच बचा, और दो में से दस गया तो माइनस का आठ बचा, तो ये माइनस का पांच बड़ा होता है माइनस के आठ से, तो फिर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब मैं किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर जोड़ दूं, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर जोड़ दूं तो उसका साइन चेंज नहीं होता, साइन नोट चेंज, साइन चेंज नहीं होता। अगर मैंने किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर दिया तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, याद रहेगा पक्का। आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। उसके बाद दूसरा रिजल्ट कह रहा है, देख नेगेटिव नंबर वाला बता दिया कि किसी भी नंबर्स में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो उसका साइन चेंज होता है। उसके बाद जोड़ने घटाने वाला बता दिया, अब ये भी तो देख, पांच बड़ा है दो से मानता है, अगर मैंने क्या, मैं ऐसे बना सकता हूँ जरूर, मैं देख क्या कर रहा हूँ, तेरे को सिखा रहा हूँ ऐसी चीजें कि तू अगर अपने मन से करना चाहे तो भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई सिखाने वाला हो। उसने कहा पांच बड़ा है दो से, मैंने कहा ठीक है, कह रहे इसमें दोनों में तीन, प्लस के तीन से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि माइनस वाले तो देख चुके हम लोग के साइन चेंज होता है, प्लस के तीन पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। तो प्लस के तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीन पचे पंद्रह, और ये थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा, तो पंद्रह सिक्स से बड़ा होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब तीसरा पॉइंट ये वाला आता है, और पहले तीसरा पॉइंट नहीं, पहले एक और देखते हैं, पांच बड़ा था दो से ठीक है। अगला नंबर लिया मैंने, कहा दस बड़ा है पांच से, कहता है ठीक है
मैंने कहा एक काम कर, दोनों को 5 से डिवाइड कर दे प्लस के 5 से, तो ये वाला हो जाएगा, अगर 10 को प्लस के 5 से डिवाइड करेगा और 5 को 5 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, 2 बड़ा होता है 1 से, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर लिखना बहुत जरूरी है, वरना नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर से अगर मैंने क्या करा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, या तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, एक समय पे एक ही काम होता है इसलिए मैं और लगा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये रिजल्ट समझ आया कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, कोई दिक्कत है? उसके अलावा मैं इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर या फिर किसी भी कांस्टेंट को इधर से उधर ले जा सकता हूं उसका साइन चेंज किए बिना। मैंने क्या बोल दिया, देख फिर से भाई, 5 बड़ा है 2 से, अभी सारा पॉइंट का एक बना दूंगा, अब समझा दे रहा हूं, अभी सारा पॉइंट लिख दूंगा। मैंने बोला 5 बड़ा है 2 से, कहता ठीक है 5 2 से बड़ा है। कंडीशन ये आती है कि अगर 5 तेरे पास 2 से बड़ा है तो एक काम कर, प्लस के 2 को उठा अगर इस तरफ ले आ तो क्या मिलेगा, मैंने कहा 5, या दोनों तरफ 2 घटा दे तो ये 5 माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पर आ गया 2 में से 2 गया 0। इसका असली मतलब क्या था कि मैं इस वाले 2 को उठाकर इस तरफ लाया हूं, समझ रहे? जो बचपन में हम लोग इसको बोलते थे कि x प्लस का 3 बराबर 6 है तो x की वैल्यू निकालो, बचपन में ये सवाल दिया जाता था, तो इस सवाल को बोल देते कि 3 इधर आया तो माइनस का हो गया, फिर 6 में से 3 गया तो प्लस का 3 आंसर है। उसका असली मतलब ये होता था कि मेरे को ये वाला 3 हटाना है क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और जब x को अकेला छोड़ना पड़ेगा तो उसके पास आसपास जितनी चीजें हैं उनको हटाना है, तो x के बगल में प्लस का 3 लिखा हुआ है, प्लस का 3 तभी हटेगा जब मैं यहाँ पर माइनस का 3 करूंगा, तभी 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, समझ रहे? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 3, तो मेरे को मिल जाएगा x प्लस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 6 माइनस का 3, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0, तो x प्लस का 0 इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो मेरे को 3 मिल जाएगा, तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 3। ये तो समझ रहे? तो मैंने बोला कि अगर x प्लस का 3 बराबर 6 है तो x इज इक्वल टू 3 आएगा, तो उसका करने का तरीका ऐसे होता था, जबकि ऐसे करवा दिया जाता था कि प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर x प्लस का 3 बराबर 6 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख देते थे x बराबर 6 माइनस का 3, जो कि x इज इक्वल टू 3 हो जाता था। ये समझ रहे? उसका करने का तरीका ये होता था कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है इसलिए x अकेला छोड़ना, उसके अलावा उसके आसपास कुछ नहीं चाहिए, तो x के बगल में प्लस 3 लिखा था तो मैंने इसे माइनस का 3 कर दिया, क्योंकि तभी प्लस 3 में से माइनस 3 जाएगा तो मेरे पास 0 बचेगा। ये चीज समझ आया तेरे को? तो इसलिए इनइक्वालिटी में, पहले बता दूं थोड़ा सा फिर बोलता हूं, तो इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर को इधर से उधर ले जा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान ले 5 को उधर ले जाता तो ये हो जाता, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या मान लूंगा, 0 ग्रेटर देन 2 माइनस का 5, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन माइनस का 3, 0 माइनस के 3 से बड़ा होता है, कंडीशन सही है, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता अगर मैं कोई भी नंबर इधर से उधर ले जाऊं तो। ये समझ आया तेरे को? इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ता अगर मैं कोई भी नंबर इधर से उधर ले जाऊं तो, उसको देखा ऐसे लिखा जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी इफ वी टेक एनी टर्म टू एनी साइड, अगर मैं किसी भी साइड ले जाऊं तो, थोड़ी इंग्लिश खराब है समझ जाना, कह रहा है इफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इफ वी टेक एनी टर्म टू एनी साइड, अगर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी अगर मैं किसी भी टर्म को किसी भी साइड ले जाऊं तो। ये समझ आया? फिर ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर जोड़ दे या फिर घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए ये होगा कि इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इफ यू एड एंड सब्ट्रैक्ट
इफ यू एड एंड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता. इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए पॉजिटिव क्वांटिटी. पॉजिटिव लगाना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से चाहे मैं मल्टीप्लाई कर दूं चाहे मैं डिवाइड कर दूं इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता. फिर चौथा आएगा कि इनइक्वालिटी चेंज, ये वाला पॉइंट आ गया, इनइक्वालिटी चेंज, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, इनइक्वालिटी चेंज होगी इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी, बाय अ नेगेटिव क्वांटिटी. और लास्ट रीजन सबसे ऊपर लिख रहा हूं कि यहां पे लिख दे रहा हूं कि अगला पॉइंट है कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज होगी व्हेन यू रिवर्स, सॉरी व्हेन यू रिवर्स इट्स न्यूमिरेटर, इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. इनइक्वालिटी चेंज होती है जब आप उसका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दें, उल्टा कर दें. इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता अगर आप किसी भी एक साइड को इधर से उधर ले जाए या फिर उधर से इधर ले आए. इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता अगर आप उसमें से कोई भी नंबर जोड़ दें या फिर घटा दें. इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दें. इनइक्वालिटी पे असर पड़ता है अगर आप उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें किसी एक नेगेटिव क्वांटिटी से. तो ये समझने वाली चीज है जो मैंने लिख दिया, समझ आया, मिटो रहा हूं. उसके बाद कुछ और थ्योरी, कुछ और एक सवाल देखते हैं पहले जितना भी बताया, एक छोटा सा ताकि मेरे को लग रहा है क्योंकि हो जाएगा अच्छा सवाल पे एक छोटा सा, फिर तो आगे मॉडल्स पे चलना है हमें. कह रहा है 1/2, कह रहा है वो माई रामायण, कह रहा है 1/2 3/5x प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x माइनस का 6. सिंपल, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी. अब देख क्या करना है, सबसे पहले क्या लगता है तेरे को, 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, 1/3 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे में. पहले तो यही करना पड़ेगा ना. इसको तू इनइक्वालिटी क्यों समझ रहा है, इसको तू इक्वल समझ के चल, और जैसा इक्वल सॉल्व करता है वैसे ही तू इनइक्वालिटी सॉल्व कर. ये चीज को समझ रहा है, बस यहाँ पर ध्यान रखियो कि इनइक्वालिटी कब बदलेगी और कब नहीं बदलेगी. बाकी तो तेरे पास सारे इक्वल वाले काम है ना, तो क्या करेगा, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 3x बटे में 5 × 10 प्लस का 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 6/3 जिसका असली मतलब है 3x/10 प्लस का 4 को 2 से डिवाइड करा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 2. अब बचपन में हमने पढ़ा है कि जब भी ऐसी इक्वेशंस में x की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि x x वाली डिजिट एक तरफ लेते हैं और नंबर नंबर वाली डिजिट एक तरफ लेते हैं. इस चीज को तो समझ रहे हैं, तो x x वाली डिजिट एक तरफ लेगा, नंबर नंबर वाली डिजिट एक तरफ लेगा. तो देख x ये रहा नंबर ये रहा. तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3x/10. अब देख मैंने क्या बताया, x बटे प्लस का 3 है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 3x. और इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ता अगर मैं कोई भी नंबर इधर से उधर ले जाऊं तो. ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये प्लस का 2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2. तो इसको सॉल्व कर, 10 और 3 का एलसीएम ले कितना मिलेगा तेरे को, 30. ये वाला हो जाएगा 3, तो 3×3 = 9x माइनस का ये हो जाएगा 10x ग्रेटर एलसीएम लिया है ना, और ये माइनस का 2 − 2 − 4 हो जाएगा. 9x में से 10x गया तो ये बच जाएगा माइनस का x बटे में 30 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4. अब ध्यान से देख, सबसे पहली बात तेरे पास ये आ गई है यहाँ पर, सबसे छोटी पहली बात कि तेरे को माइनस का x मिल गया है, जबकि x वैल्यू कौन किसकी चाहिए होती है, प्लस x की. तो माइनस x मिल गया मतलब x को माइनस से हटाना पड़ेगा. तो बात ये आ गई कि जब मैं x को माइनस में मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि माइनस दिया हुआ यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो ये हो जाएगा प्लस का x बटे में 30
एक्स ही लिखा है ना, प्लस का एक्स बटे में 30 और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू प्लस का 4, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स जो है वो प्लस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का चार जो है वो प्लस का चार हो जाएगा और बाकी तेरे पास साइन वैसे रहेगा। ये समझ आया, क्योंकि एक्स के पास माइनस था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गया, जबकि मेरे को प्लस एक्स चाहिए होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का 30 लिखा हुआ है, तो प्लस के 30 को तू उधर भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर तू ऐसे भी बोल सकता है कि मैं क्या करूं दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय प्लस का 30 है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 30x बटे में 30 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 30 इंटू में 4, जैसे सॉल्व करता है जैसे तेरा मन करे, बस यहाँ पर बात यही ध्यान में रखनी होती है कि किसका इनइक्वालिटी चेंज होगा और किसका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इस चीज को समझ रहा है। तो 30 से 30 कट जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 30 चौके 120, मतलब तेरे पास x की सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120। अब वो बोल रहा है कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो देख इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 120, x 120 से लेस देन है मतलब छोटा है और बराबर है, तो वो सारे नंबर ले ले जो 120 से छोटे आते हैं। अब रियल नंबर तो माइनस इंफिनिटी तक जाता है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 120 पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा और ये तेरा आंसर, तो x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 120 में, ये चीज सबको समझ आए, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। सवाल बताना था, बता दिया, आगे बढ़ता हूँ फिर थ्योरी पे, क्योंकि सवाल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, if you don't know theory then you don't know mathematics, if you know theoretical part then you know mathematical। देख एक और करवा दूं क्या, मेरे को मिल गया है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, कह रहा है माइनस का 5 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2 माइनस का 3x बटे में 4 और यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 9। देख ऐसे सवाल दिया हुआ है, दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, पहले टाइप वन करवा रहा हूँ बाद में टाइप टू करवाऊंगा। टाइप वन में देख पहले कह रहा है वो कि ये वाला नंबर इससे छोटा है, फिर बाद में कह रहा है ये वाला नंबर इससे छोटा है, तो दो अलग अलग सवाल आ गए, एक बार इतना सवाल है कि ये इससे छोटा है और एक बार इतना सवाल है कि ये इससे छोटा है, तो दो अलग अलग केस बनते हैं कि माइनस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 3x अपॉन में 4, पहले तो ये वाला केस बन रहा है और दूसरी तरफ केस बन रहा है कि 2 माइनस का 3x अपॉन में 4 लेस देन और इक्वल टू 9। ये चीज समझ आया, अब ध्यान से देख सोच इसको थोड़ा सा, ये काम करा जा सकता है क्या, प्लस का 4 है, प्लस के 4 हटाना है तो डिवाइड में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करते कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का 4 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाई बाय प्लस के 4 से तो इनइक्वालिटी में कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4 पंचे माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस का 3x इंटू में 4 बटे में 4, तो वो 4 से 4 कट जाएगा। ये चीज समझ आया, 4 से 4 कटेगा, तो मैं एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ, 4 से 4 कट दिया मैंने। अब ध्यान से देख ये प्लस का 2 है, क्योंकि नंबर नंबर एक तरफ लेते हैं, एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक तरफ लेते हैं, तो ये प्लस का 2 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो रिजल्ट मिलेगा तेरे को माइनस का 20, ये प्लस का 2 इस तरफ आके माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x, ये आ गया। अब थोड़ा और सोच, माइनस 20 और माइनस 2 माइनस का 22 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x। अब ध्यान से देख x के बगल में माइनस का 3 लिखा हुआ है, x अकेला चाहिए, तो x अकेला चाहिए होने के लिए मल्टीप्लाई में माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो माइनस के 3 तो हटाएगा, और माइनस के 3 को हटाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और इनइक्वालिटी चेंज होती है अगर तू किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 22 बटे में माइनस का 3, इनइक्वालिटी हो गई चेंज, माइनस का 3x बटे में माइनस का 3, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो तेरे पास आ गया 22 बटे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, 22 बटे 3 एक्स से या तो बड़ा है या तो बराबर है, या फिर उसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है x की तरफ अभी भी चोंच है, x लेस देन इक्वल टू 22 बटे 3, x जो है वो 22 बटे 3 से या तो छोटा है या फिर बराबर है, ऐसा भी तो बोला जा सकता है। उसने बोला 22 बटे 3 बड़ा है x से, मैंने कहा x छोटा है 22 बटे 3 से, वो कह रहा है राम बड़ा है श्याम से, मैंने कहा श्याम छोटा है राम से, कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ऐसे यहां पर भी देख प्लस का 4 है, प्लस का 4 हटाएगा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो क्योंकि कोई असर नहीं पड़ेगा इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। और अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता नेगेटिव नंबर से तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। यहाँ पर प्लस का चार है तो मैं डायरेक्ट इधर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 9 × 36। फिर नंबर नंबर एक तरफ लूंगा तो ये प्लस का दो तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 36 माइनस का 2। ये हो जाएगा माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 36 में से 2 गया तो 34। अब ध्यान से देख, फिर से x के बगल में माइनस 3 है तो हटाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बटे में माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34 बटे में माइनस का 3 सॉरी प्लस का 34 बटे में माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34 बटे में 3। मतलब x माइनस के 34 बटे 3 से बड़ा है और 22 बटे 3 से छोटा है। तो आंसर आ जाएगा माइनस के 34 बटे 3 से लेकर 22 बटे 3 तक दोनों पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज होगा। तो वैल्यू आ गई माइनस के 34/3 से लेकर 22/3 तक। ये समझ आया? तो ये टाइप वन था जहां पर उसको ऐसे करा जा सकता है, टाइप टू देख ऐसे भी करा जा सकता है उसको। अच्छा ये इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग करेगा देख इसको डायरेक्ट यही सॉल्व कर ले। यही सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा, ये प्लस का चार दिया हुआ है तो प्लस का चार हटाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 × 5 माइनस का 20 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 9 × 36 ऐसे लिख सकता है। अब प्लस का 2 है, प्लस का 2 हटाने के लिए माइनस 2 करना पड़ेगा तो हर जगह से 2 घटा दे। तो ये हो जाएगा माइनस 22 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस का 3x, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 36 माइनस का 2। तो ये आ गया माइनस का 22 लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कट गया माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 36 में से 2 गया तो 34। अब ध्यान से देख x के बगल में क्या है, माइनस का 3 लिखा हुआ है, हटाना पड़ेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 22 बटे में माइनस 3, ये साइन चेंज हो गया माइनस 3x बटे में माइनस 3, ये साइन चेंज हो गया माइनस सॉरी प्लस का 34 बटे में माइनस का 3। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गया, माइनस से माइनस कट गया 22 बटे में 3 ऐसे, फिर x क्योंकि माइनस 3 से माइनस 3 कट गया, फिर ये वाला माइनस का 34 बटे में 3। इसका मतलब x माइनस के 34 बटे 3 से बड़ा है और इससे छोटा है। ऐसे देख x की तरफ इसके हिसाब से x की तरफ यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब x बड़ा है इससे, इसके हिसाब से x की तरफ यहाँ पर क्लोज है मतलब x छोटा है इससे। तो ये वाली वैल्यू आ गई x माइनस के 34 बटे 3 से बड़ा है और 22 बटे 3 से छोटा है। ये समझ आया? तो x बिलोंग करेगा, जैसे मन करे वैसे कर ले, तेरे मन की बात है यार। आगे बढ़ता हूँ, अब आता है मॉडुलस 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 जिसके लिए हम तड़प रहे थे। मॉडुलस देख, मॉडुलस का मतलब पता है, कोई एक ऐसा सिंबल है मॉडुलस जो क्या करता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नेगेटिव नंबर हो कैसा भी नंबर हो सबको पॉजिटिव कर देता है। बचपन में पढ़ा हुआ है प्लस का 5 बराबर भी प्लस का 5 होता है, माइनस का 5 बराबर भी प्लस का 5 होता है। हमने कहा चलो ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना आता है ठीक है। मॉडुलस एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्लस को भी प्लस कर देती है माइनस को भी माइनस कर देती है, और हम कुछ नहीं सुनना चाहेंगे अभी, बाकी हम पढ़ा रहे हैं। देखो मॉडुलस एक्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, मॉडुलस एक्स जो है वो प्लस का एक्स देता है, मतलब एक ऐसा सिंबल है, उसको ऐसा फंक्शन हमने क्रिएट करा है, हमने जानबूझ के मॉडुलस को ऐसा फंक्शन बनाया है जो पॉजिटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव कर दे और नेगेटिव क्वांटिटी को भी नेगेटिव कर दे, ये जानबूझ के हमने करा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी इसी तरीके से आएगा कि मॉडुलस एक्स प्लस का एक्स देगा जब एक्स बड़ा होगा जीरो से, मॉडुलस का एक्स माइनस एक्स देगा जब एक्स लेस देन होगा जीरो से, मॉडुलस का एक्स जीरो देगा जब एक्स इज इक्वल टू होगा जीरो। चलो ठीक है, हमने कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए था, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए था, ऐसा तरीका चाहिए था जो प्लस को भी प्लस कर दे और माइनस को भी प्लस कर दे। तो हमने मॉडुलस बना दिया, और मॉडुलस को उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, क्यों करा जाएगा, रीजन देख। मान ले किसी ने कहा मेरे को प्लस 5 की वैल्यू दिखाओ, मैंने कहा देख एक्स की जगह अंदर क्या लिखा हुआ है, कह रहा प्लस का 5, मैंने कहा ठीक है एक्स की जगह अंदर लिखा हुआ है प्लस का 5 और ये प्लस का 5 बोलूंगा या फिर x बोलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहां पर मैं x बोलूं या फिर प्लस का 5 बोलूं, ये प्लस का 5 जो लिखा हुआ है वो क्या है, जीरो से बड़ा या छोटा है, जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है वो प्लस का 5 जीरो से बड़ा है। तो कंडीशन तो पहले वाली आएगी क्योंकि प्लस का 5 जीरो से बड़ा है, मतलब ये वाली कंडीशन लेना है, और इस वाली कंडीशन में क्या है, उसने 5 अगर जीरो से बड़ा होगा तो सेम टू सेम 5 ले लेना है, तो सेम टू सेम 5 आ जाएगा।
एक और माइनस का साथ, मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह माइनस का साथ। अब ध्यान से देख, ये वाला माइनस का साथ क्या है, जीरो से छोटा है। जब ये वाला माइनस का साथ जीरो से छोटा है तो मेरे को कोई ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जो जीरो से छोटा हो, और जीरो से छोटा तो सिर्फ यही वाला फंक्शन है, समझ रहा है, क्योंकि माइनस का साथ छोटा है जीरो से। तो उसने कहा माइनस का एक्स लेना है, उसने कहा माइनस का एक्स लेना है। अब ध्यान से देख, यहां एक्स लिखा हुआ है, यहां पर माइनस का साथ लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का साथ है, तो ये केस आ जाएगा माइनस के साथ माइनस का साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है। क्यों होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे तुमको माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, वो रीजन अभी नहीं है, बाकी यहाँ पर समझ आया। क्योंकि एक्स की जगह माइनस का साथ लिखा था और उसी माइनस को साथ को देखकर मैंने डिसाइड करा कि मेरे को छोटी वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, या फिर जीरो वाली लेनी है। तो उसी माइनस को साथ को देखकर मैंने डिसाइड करा और मेरे को पता चला कि माइनस का साथ छोटा होना चाहिए जीरो से, तो मैंने ले लिया माइनस का एक्स, इसका मतलब माइनस का माइनस सेवन और माइनस माइनस प्लस का सेवन, ये चीज को समझ आया। तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो प्लस भी कर देता है और माइनस भी कर देता है, प्लस को भी प्लस माइनस को भी प्लस, उसे ऐसे तो लिखा जाता है ना कि मॉडुलस, अगर एक्स लिखा हुआ है तो मेरे को अभी नहीं पता एक्स प्लस है या फिर माइनस है, इसलिए वो प्लस का एक्स भी देगा और माइनस का एक्स भी देगा, वो मेरे को खुद देखना पड़ेगा एक्स जीरो से बड़ा है या एक्स जीरो से छोटा है। ये चीज समझ आए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे रहा हूँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे रहा हूँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो बराबर होता है जीरो के, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मॉडुलस एक्स प्लस एक्स देगा जब एक्स जीरो से बड़ा है, माइनस एक्स देगा जब एक्स जीरो से छोटा है, नीचे समझ आया। तो मॉडुलस एक्स प्लस का एक्स भी देता है, माइनस का एक्स भी देता है, वो डिपेंड करता है एक्स पे क्या लेना है। मॉडुलस एक्स बराबर प्लस का एक्स लूंगा, मॉडुलस एक्स बराबर प्लस का एक्स लूंगा जब एक्स बड़ा होगा जीरो से, और मॉडुलस एक्स बराबर माइनस का एक्स ले लूंगा जब एक्स छोटा होगा जीरो से। नहीं पता तो दोनों लूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता एक्स बड़ा है या फिर एक्स छोटा है, तो मैं दोनों के दोनों केस लूंगा। ये चीज सिर को समझ आया, बोल भाई। अब जैसे देख, प्रोबेबिलिटी आती है मॉडुलस की, बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है और अच्छी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये तो इंपॉर्टेंट क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, हायर मैथमेटिक्स। कह रहा है मॉडुलस का एक्स लेस देन है, मॉडुलस का एक्स लेस देन है, अगर मॉडुलस का एक्स ए से छोटा है तो क्या होगा। मैंने कहा देख, मॉडुलस का एक्स ए से छोटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मॉडुलस एक्स प्लस का एक्स भी देता है और मॉडुलस एक्स माइनस का एक्स भी देता है, इसलिए ये वाली कंडीशन मेरे पास हो जाएगी, प्लस का एक्स भी और माइनस का एक्स भी। चल ठीक है, मॉडुलस एक्स प्लस का एक्स भी देगा और मॉडुलस एक्स माइनस का एक्स भी देगा। तो यहां से दो केस आते हैं, एक तो केस आ गया प्लस माइनस का एक्स लेस देन ए, अब दोनों लेना पड़ेगा, एक बार प्लस का एक्स ए से छोटा है और एक बार माइनस का एक्स ए से छोटा है, समझ रहे, क्योंकि मॉडुलस एक्स ने प्लस भी देता है माइनस भी देगा, तो ये प्लस माइनस एक्स हो गया जो कि लेस देन होगा ए से, तो एक केस आ गया मॉडुलस एक्स लेस देन ए और एक केस आ गया माइनस का एक्स लेस देन ए। फिर उसके बाद अगर x a से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, x a से छोटा है जी मान लिया, कुछ तो कर नहीं सकते ना, उसने कहा है x a से छोटा है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकता मैं तो ऐसे छोड़ दूंगा। लेकिन यहां पर देख, उसने कहा है माइनस का x लेस देन a, तो मेरे को x तो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का a माइनस का a हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस a, तो रिजल्ट में आ गया कि एक रिजल्ट कह रहा है x a से छोटा है और एक रिजल्ट कह रहा है x माइनस के a से बड़ा है, दोनों को कंबाइन कर और रिजल्ट निकाल क्या मिलता है। एक ने कहा प्लस के a से छोटा, एक ने कहा माइनस के a से बड़ा, दोनों के दोनों इस बीच वाली कंडीशन में सेटिस्फाई है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x बिलोंग करेगा माइनस a से लेकर a। अब डिपेंड इस पे करता है ओपन लगाऊं या क्लोज लगाऊं, तो यहां पर इक्वल टू लगा है या फिर नहीं लगा, इक्वल टू नहीं लगा तो ओपन आएगा और अगर इक्वल टू लगा है तो फिर क्लोज आ जाता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा इसलिए मैंने एक ओपन ब्रैकेट लगाया, तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए से लेकर ए, इसका मतलब ना ही माइनस ए लेना और ना ही प्लस ए लेना, लेकिन उसके बीच में जितने भी नंबर आ जाते हैं वो सारे के सारे नंबर ले लेने हैं। ये तेरे को समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा रिजल्ट है, और इसकी ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ सबको कैसे कौन सा होता है। तो अगर कभी भी मॉडुलस एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए से ए, जैसे इसका सवाल देख, इसका एक क्वेश्चन देख हाथों हाथ, उसने बोला मॉडुलस एक्स छोटा है पांच से, तो मैं सीधा बोलकर आ जाऊंगा कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस के पांच से लेकर पांच, ये चीज समझ आया,
ये पहला सवाल था, सीधा बोल कर आ जाऊंगा, अगर नहीं पता तो निकाल लूंगा। मोडरस एक्स को एक बार प्लस एक्स बोलूंगा, एक बार माइनस एक्स बोलूंगा। प्लस एक्स लूंगा तो एक्स लेस देन पांच, माइनस एक्स लूंगा तो एक्स ग्रेटर देन माइनस पांच, फिर कंबाइन करूंगा उसी तरीके से। दूसरा, मान लो उसने बोला कि मोडरस के अंदर थ्री एक्स माइनस का टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू छ। मोडुलस के अंदर 3x माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। सवाल आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर लिखता हूँ, सवाल में लिखा हुआ है मोडुलस के अंदर 3x माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6। अब ध्यान से देख, मोडुलस के अंदर 3x माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6। अब सोच थोड़ा सा, सोच इतना तो तेरे को पता है कि मोडुलस के अंदर चाहे जैसा भी नंबर रख वो क्या करेगा, मॉडुलस के अंदर चाहे जैसा भी नंबर रख वो क्या करेगा, हर एक नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। भले ही वो देता है प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, आगे चल के मेरे को प्लस का नंबर ही मिलता है, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। तो उसी तरीके से ये वाला मॉडुलस भले चाहे जैसे नंबर दे, चाहे प्लस का दे चाहे माइनस करे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आगे चल के क्या कर देगा, ये सारे के सारे नंबर्स को क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब मॉडुलस एक पूरी की पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये समझ आया। जब मॉडुलस पूरी की पूरी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस के नंबर से या तो बराबर होता है या छोटा होता है? नहीं होता। कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस के नंबर के बराबर नहीं होता, मतलब जीरो के अलावा बाकी और कोई नंबर नहीं है तो छोटा नहीं होता। अगर छोटे वाली कंडीशन देखें कि कोई भी मॉडुलस क्वांटिटी जो है किसी भी नेगेटिव नंबर से छोटी नहीं होती, कोई भी प्लस वाला नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन गलत है। इसका मतलब ऐसे एक्स की कोई वैल्यू ही, ये समझ आए लेस देन वाला, कि पॉजिटिव नंबर, सॉरी यार, पॉजिटिव नंबर लेस देन नहीं होता नेगेटिव नंबर से, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि सारे के सारे मॉडुलस वाले नंबर जो होते हैं वो हमेशा बड़े ही होते हैं नेगेटिव नंबर से। उसके अलावा अगर मैं इस क्वांटिटी को इसके बराबर ले लूंगा तो ये दोनों आपस में बराबर तब होंगी जब दोनों की दोनों जीरो हो, समझ रहे हैं? क्योंकि देख लेस देन वाली कंडीशन तो फेल हो गई। अगर मैं दोनों के दोनों को बराबर रखूंगा तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर तभी होता है जब वो नंबर खुद जीरो हो, जब वो नंबर खुद जीरो हो। तो मैं तो इसको जीरो तो बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जीरो नहीं बना सकता, क्योंकि माइनस का छह जीरो के बराबर थोड़ी ना होता है, ये समझ रहा, माइनस का छह जीरो के बराबर नहीं होता। ये तो बन जाता कि एक्स बराबर दो बटे तीन आंसर आ जाता, लेकिन माइनस के छह का क्या करूंगा, माइनस का छह तो जीरो के बराबर नहीं होता ना, तो रिजल्ट फेल हो जाता, ये समझ आया। इसलिए कभी भी ये मॉडुलस क्वांटिटी जो होती है पॉजिटिव होती है और वो कभी भी नेगेटिव से छोटी नहीं होती, तो ये मेरा बताने का मोटिव था। उसके बाद सवाल करता हूँ चेंज, प्लस का सिक्स और अब करता हूँ सॉल्व। अब देख प्लस का सिक्स करा और अब सॉल्व करूंगा तो बात वही है, ये क्वांटिटी प्लस की भी देगी और माइनस की भी देगी। ये नंबर प्लस का मेरे को तब देगा, प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू लेस देन इक्वल टू छह तब देगा जब अंदर लिखा हुआ थ्री एक्स माइनस का टू बड़ा होगा जीरो से, ग्रेटर देन या फिर बराबर भी होगा जीरो के, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नंबर मेरे को नेगेटिव तब देगा जब अंदर लिखा हुआ रिजल्ट छोटा होगा जीरो से, ये समझ आए। तो दो अलग अलग इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों को देखना पड़ेगा कौन कौन सी इक्वेशन आती है, कौन कौन सी सेटिस्फाई करती है। अब देख मान ले पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन नंबर वन के लिए मेरे पास रिजल्ट ये आता है, और यहाँ इक्वेशन नंबर टू कर लेंगे, तो इक्वेशन नंबर वन के लिए रिजल्ट आता है कि जब ये बड़ा होगा जीरो से तभी ये कंडीशन आएगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं आएगी। तो ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है, इस पे। इसका मतलब तेरे को पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजल्ट आ गया कि 3x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बटे 3 आ जाएगा। ये माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2, 3 इसके बटे में आके नीचे 3, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बटे 3 आ जाएगा। ये चीज समझ आया? तो अगर x, जब तेरे पास x 2 बटे 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा तभी ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऊपर वाला देख क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 6 सॉल्व करेगा, माइनस 2 इस तरफ आके प्लस, तो 3x लेस देन इक्वल टू 6 और 2 8, तो रिजल्ट मिल जाएगा x लेस देन इक्वल टू 8 बटे में 3। ये समझ रहे हैं? तो यहाँ से एक कह रहा है कि x 2 बटे 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बटे 3 है, यहाँ पर x कह रहा है 8 बटे 3 से छोटा है। तो मैं रिजल्ट ले लूंगा कि x जो है वो बिलोंग करेगा 2, ये 2 बटे 3 है ना, तो 2 बटे 3 से बड़ा और 8 बटे 3 से छोटा, सिंपल सा रिजल्ट है।
फिर उसके अलावा दूसरा रिजल्ट देखूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है इक्वेशन नंबर 2 वाला, कहता है 3x माइनस का 2 लेस देन 0 है, तो 3x माइनस का 2 0 से छोटा होगा कब, 3x माइनस का 2 0 से छोटा होगा कब, जब मेरे पास x की वैल्यू छोटी होगी 2/3 से। अब x 2/3 से छोटा है तो इसको देखूंगा मैं, इसको देखने के लिए ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है माइनस का 3x माइनस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, अब ये माइनस हटाऊंगा तो पूरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस का तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। तो एक ने कहा x 2/3 से छोटा है और एक ने कहा x 8/3 से बड़ा है, तो ये तो सेटिस्फाई होगा नहीं कि 2/3 से छोटा ले लूं यहाँ पर 8/3 से बड़ा ले लूं, तो ये तो केस गलत हो गया ना। कह रहा है 2/3 से छोटा और 8/3 से बड़ा, तो ऐसा तो कोई नंबर आता नहीं, बीच में होता तो ले लेता, लेकिन ये बाहर बाहर के दे रहे हैं तो ये वाला केस तो सेटिस्फाई होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला केस सेटिस्फाई होगा, और इस वाले केस में सेटिस्फाई होने के लिए 3x की वैल्यू बिलोंग करेगी 2/3 से लेकर 8/3 तक। ये समझ आया क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला x 2/3 से छोटा है, इसका मतलब मान ले ये 2/3 है और ये 8/3 है, तो 2/3 से छोटा तो ये वाला केस आ जाएगा और 8/3 से बड़ा तो ये वाला केस आ जाएगा। तो एक ये कह रहा है इधर के सारे नंबर ले, ये कह रहा है इधर के सारे नंबर ले, दोनों में कॉमन पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसके पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो खत्म है, और इसके पास 2/3 से लेकर 8/3 तक का सॉल्यूशन है। समझ आया, तो ऐसे करा जाता है इस चीज को। उसके बाद फिर वही अपनी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, समझेगा ध्यान से तो समझ आएगा, नहीं समझेगा नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि मॉडुलस का एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, पहले प्रॉपर्टी करवा दूं, चल ठीक है, मॉडुलस का एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब ध्यान से देख, फिर से मॉडुलस का एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वो प्लस का एक्स भी देगा और इसका और वो माइनस का एक्स भी देगा, तो मेरे पास केस मिल गए प्लस का एक्स भी और माइनस का एक्स भी, जिसकी वजह से कंडीशन नंबर एक बनी कि अगर ये प्लस एक्स देगा तो प्लस एक्स छोटा होगा ए से लेस देन और इक्वल टू होगा ए के, और अगर ये माइनस एक्स देगा तो माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू होगा ए के। यहां से केस बनता है कि एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, खत्म। ये माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, माइनस है हटाना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का ए। एक ने कहा एक्स माइनस के ए के या तो बराबर है या फिर बड़ा है, और एक ने कहा एक्स ए के या तो बराबर है या तो छोटा है, दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस के ए से लेकर ए तक। क्लोज ब्रैकेट का यूज इसलिए करा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और ग्राफ में समझाने के लिए देख ऐसे, एक ने कहा माइनस ए, एक ने कहा प्लस ए, ये कह रहा है प्लस के ए से छोटा, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे और प्लस का ए भी आएगा, इसलिए डार्क सर्कल। उसने कहा माइनस के ए से बड़ा, तो माइनस का ए ये रहा, इक्वल टू लगाया तो इस पे डार्क सर्कल और उससे बड़ा ये सारा नंबर आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करूंगा तो बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, बाहर वाले नहीं रहेंगे, तो इसलिए मेरा रिजल्ट आ गया एक्स बिलोंग करेगा माइनस ए से ए और क्लोज ब्रैकेट। कोई दिक्कत है, तो सिंपल सा रिजल्ट है, समझ सकता है। सवाल करूं अभी वाला क्वेश्चन ले लूं, अभी वाला 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए बिल्कुल अभी वाला इस तरीके से करूंगा, देख, क्योंकि पहले वाला तरीका तेरे को समझ आ गया होगा, ये वाला तरीका देख। मैंने तेरे को इतना बताया है कि जब भी तेरे को मॉडुलस x मिलेगा तो वो बिलोंग करेगा, जब भी ऐसी केस आ जाएगा, मैंने तेरे को ये बताया कि जब भी मॉडुलस का x लेस देन इक्वल टू a होगा तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस a से लेकर a तक के क्लोज इंटरवल पे, मैंने कहा ठीक है, ये बताया है मैंने। अब देख, यहाँ पर पूरे के पूरे x की जगह लिखा हुआ है 3x माइनस का 2, तो इसके हिसाब से ये वाला केस हो जाएगा 3x माइनस का 2 बिलोंग करेगा माइनस के 6 से लेकर प्लस के 6 तक, ठीक है। अब सिर्फ x चाहिए तो ये माइनस को दो हटाना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि देख 3x माइनस का 2 माइनस के 6 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो ये केस भी तो हो सकता है कि 3x माइनस का 2 माइनस के 6 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, चाहे मैं इसको ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देख x की वैल्यू निकाल लिए तो ये माइनस का 2 हटा, माइनस का 2 हटाने के लिए जोड़ेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 2, प्लस का 2 और ये लेस देन इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस का 2, माइनस के 6 में से 2 गया तो माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 3x और यहाँ पर 6 और 2 8 ये आ जाएगा, प्लस का 3 हटाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 लेस देन इक्वल टू, और ये रिजल्ट दे देगा यहाँ पर मेरे को x, और ये रिजल्ट दे देगा लेस देन इक्वल टू 8/3, तो मेरे पास ये वाला चला जाएगा
कि जो x है वो माइनस के 4/3 से बड़ा है या बराबर है और 8/3 से छोटा है। ये समझ आया? सिंपल से रिजल्ट, वहां प्लस दो था क्या? वहां प्लस दो था क्या? क्योंकि रिजल्ट वहां पे शायद अलग आ रहा था, पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर x बिलोंग कर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस के 4/3 से और 8/3 से छोटा होगा। देख लेना वहां पे रिजल्ट शायद कुछ गलती हुई है, माइनस का 4/3 आना चाहिए। ये समझ रहे हैं? तो ऐसा रिजल्ट भी मेरे को मिल सकता है, तो इस तरीके से भी कर सकता है। अगली प्रॉपर्टी देख, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, जैसे ये कह रहा है तीसरी प्रॉपर्टी कि मॉडुलस का एक्स बड़ा होना चाहिए ए से। अब देख मॉडुलस का एक्स ए से बड़ा होगा, फिर से वही ध्यान से देख कि मॉडुलस एक्स प्लस एक्स भी देगा और मॉडुलस एक्स माइनस का एक्स भी देगा। तो दो केस मिलते हैं, एक तो प्लस का एक्स बड़ा होगा ए से और एक माइनस का एक्स बड़ा होगा ए से। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इस पर ध्यान दे। अगर माइनस एक्स ए से बड़ा होगा तो इसका मतलब एक्स छोटा होगा माइनस ए से, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब इस रिजल्ट को तो ऐसे लिख सकता है, इसने कहा कि प्लस के ए से बड़ा तो प्लस का ए मान ले ये है और उससे बड़ा तो ये वाला सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसने कहा माइनस के ए से छोटा तो माइनस का ए यहाँ पर होता और माइनस ए से छोटा ये वाला सारा रिजल्ट आ जाएगा। दोनों को आपस में कंबाइन करेगा तो एक कह रहा है ये वाला रिजल्ट, एक कह रहा है ये वाला रिजल्ट। तो दोनों को अब कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा, मतलब दोनों एक जगह तो सहमत हो नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों को उठा लेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एक्स बिलोंग करेगा देख यहाँ पर, यहाँ नहीं पता कहाँ से शुरू हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी मान लूंगा। तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के ए तक, यूनियन एक्स बिलोंग करेगा ये वाले प्लस के ए से लेकर वहां इन्फिनिटी तक। ये चीज तेरे को समझ आया? तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और ए से लेकर इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, समझ आया? और एक चीज और, यहीं से चौथा रिजल्ट ऐसे आ सकता है, चौथा रिजल्ट यहीं से ऐसा आ सकता है कि मैंने बोल दिया मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ये भी इक्वल टू ए, ये भी इक्वल टू, और यहाँ पर बस इतना सा फर्क होगा कि क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बाकी सारे के सारे कंडीशन तो तेरी वही सेम टू सेम रहेगी ना, तो रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। इसलिए कभी भी अगर वो बोलता है कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो पक्का एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 5, क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी। इसी सिर को समझ आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा था। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, देख अगला केस है x माइनस ए लेस देन r, मॉडुलस x माइनस ए, पांचवा केस है। ये मॉडुलस के अंदर कहीं पर x माइनस ए लिखा हुआ है और उसे मैंने लेस देन r ले लिया, तो इसका मतलब देख क्या है, फिर से वही मॉडुलस है तो प्लस x भी देगा और मॉडुलस है तो माइनस का भी देगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां से कि एक बार प्लस का x माइनस ए लेस देन r और यहां से मिल जाएगा एक बार माइनस का x माइनस ए लेस देन r, ये मिल जाएगा। उसके बाद ये a के लिए माइनस इस तरफ जाके प्लस ए हो जाएगा, तो x इज लेस देन a प्लस का r और ये वाला आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x माइनस का a ग्रेटर देन माइनस का r, इसको लिखा गया a प्लस r और ये माइनस इस तरफ जाके प्लस ए हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन a माइनस का r। अब कह रहा है ये x a प्लस r से छोटा है और ये कह रहा है a माइनस r से बड़ा है, इसका मतलब एक ने कहा a माइनस r से बड़ा और एक ने कहा a प्लस के r से छोटा, तो बीच के सारे नंबर ले लूंगा। ये समझ रहा है, तो इसलिए x जो है वो बिलोंग करेगा a माइनस के r से लेकर a प्लस के r तक, और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो x है वो बिलोंग करेगा a माइनस r से लेकर a प्लस के r तक, ऐसे भी लिख सकता है सवाल को। ये समझ आया? बस सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि मॉडुलस प्लस भी देगा माइनस भी देगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन मेरे पास आ जाएंगे। और एक ये मैं गलती कर गया, वरना मैं यहीं पर इक्वल टू भी करवा देता, इक्वल टू में भी यही वाला केस होता कि अगर मॉडुलस का एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर लिखा हुआ है तो फिर से ये एक बार प्लस एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर कर देगा और एक बार ये माइनस का एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू आर कर देगा, यही होगा। और ये माइनस इस तरफ जाके प्लस ए हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू ए प्लस आर, और ये वाला केस हो जाएगा कि x जो है x माइनस का a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का r, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर दी और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस r, तो वही केस a माइनस r से बड़ा लेकिन बराबर भी, a प्लस r से छोटा लेकिन बराबर भी। तो बस यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और डॉट, जो डॉट लगेंगे वो भी ब्लैक डॉट लगेंगे और डार्क सर्कल लगेगा, और उसके अलावा बस सिंपल रिजल्ट वही है कि a माइनस आर पे क्लोज ब्रैकेट और a प्लस आर पे भी क्लोज ब्रैकेट, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये समझ आए? तो करने का तरीका तेरे पास वही वाला होगा, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगला रिजल्ट
सारी प्रॉपर्टी ऐसे निकाली जा सकती है, कोई वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला रिजल्ट ये कह रहा है कि मॉडुलस का एक्स इज ग्रेटर देन ए, मान लीजिए ये वाला कहता है मॉडुलस का एक्स ए से बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, ये रिजल्ट है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, मॉडुलस एक्स माइनस ए, ये तो हो चुका, ये तो तीसरा रिजल्ट था, मॉडुलस एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, मान लो उसने ये कह दिया। ये कौन सा नंबर है, ये है छठा, छठा नंबर है ये, नहीं छठा नहीं है, सातवां है ये, सातवां, ये सातवां नंबर है कि मॉडुलस के अंदर x माइनस ए इज ग्रेटर देन आर, तो क्या करेगा, मॉडुलस प्लस भी देगा माइनस भी देगा, जिसकी वजह से एक बार ये x माइनस ए ग्रेटर देन आर हो जाएगा और एक बार ये माइनस का x माइनस ए ग्रेटर देन आर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये माइनस इस तरफ जाके प्लस ए होगा, तो x इज ग्रेटर देन ए प्लस का आर, और ये वाला रिजल्ट होगा माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाए, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस ए, इनइक्वालिटी हो गई चेंज और ये माइनस का आर, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो सही है, इस पे काम कर, माइनस इस तरफ जाके प्लस ये हो जाएगा, तो एक्स जो होगा वो लेस देन होगा ए माइनस आर से, तो ये कह रहा है ए माइनस आर से छोटा, ये कह रहा है ए प्लस आर से बड़ा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये a माइनस का r, ये वाला a प्लस का r, उसने कहा a माइनस r से छोटा, इसने कहा a प्लस r से बड़ा, दोनों आपस में एक जगह तो सहमत नहीं हो रहे, तो मैं कहूंगा दोनों के दोनों आ जाओ, इसका मतलब मैं ले लूंगा माइनस इंफिनिटी से लेकर ये वाले a माइनस r तक, और यहाँ पर ले लूंगा ये वाले a प्लस r से लेकर वो वाले इंफिनिटी तक, ये समझ आया, और दोनों को दोनों कह दूंगा क्योंकि दोनों एक जगह सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं ये वाला भी लूंगा और ये वाला भी लूंगा, और दोनों लेने के लिए यूनियन लगाया है कि या तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा या दोनों ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ आया। और वैसे यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन भी लग जाता तो सिर्फ इतना सा फर्क आता कि हर जगह इक्वल टू लग जाता, इक्वल टू, और बस यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग जाता, बाकी तो सारा मेरे पास वही रहता सेम टू सेम, तो बस इतना सा फर्क पड़ता है क्लोज और ओपन में, ये समझ आया, ये प्रॉपर्टी नंबर आठ भी बन जाती अगर क्लोज लग जाता तो। उसके बाद है नौवीं नंबर की प्रॉपर्टी है नाइन्थ, कह रहा है मॉडुलस एक्स, नाइन्थ नंबर की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। अब ध्यान से देख, उसने कहा नाइन्थ नंबर है, उसने कहा मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, ये कह रहा है। अब ध्यान से देख, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है, इसका मतलब सोच थोड़ा सा कि मॉडुलस एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है, चल ठीक है। अगर मान ले पहले दो केस बनता है, एक केस बनेगा ये वाला, एक केस बनेगा ये वाला, या फिर वो भी छोड़, टाइप नंबर सेकंड से करता हूँ मैं, यहीं पर मॉडुलस को प्लस भी लिख देता हूँ, यहीं पर मॉडुलस को माइनस भी लिख देता हूँ, तो मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशन बन गई, एक ने कहा a लेस देन प्लस का x लेस देन b, और एक ने कहा a लेस देन माइनस का x लेस देन b, ये हो गया क्योंकि मॉडुलस ने प्लस भी दे दिया, मॉडुलस ने माइनस भी दे दिया, यहाँ तक तो सहमत है। अब इसकी वजह से ये कह रहा है एक्स ए से बड़ा है बी से छोटा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए से लेकर बी, क्योंकि एक्स ए से बड़ा है बी से छोटा है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए तो हटाऊंगा, तो हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए ग्रेटर देन माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स ग्रेटर देन माइनस का बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा माइनस के बी से बड़ा माइनस के ए से छोटा, तो माइनस के बी से बड़ा माइनस के ए से छोटा, समझ आया। इसको देख, इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि x माइनस के बी से बड़ा है और माइनस के ए से छोटा है, माइनस के बी से बड़ा माइनस के ए से छोटा, तो x माइनस बी से लेकर माइनस है, तो दोनों को कंबाइन करूंगा आपस में, तो फाइनल रिजल्ट आएगा कि जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस बी से लेकर माइनस ए यूनियन ए से लेकर बी, ये वाला मेरे पास रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत है, सिंपल। और यहीं पर हाथों हाथ देख, इक्वल टू लग जाता तो हर जगह इक्वल टू लग जाता, प्रॉपर्टी नंबर 10 बन जाती, सिर्फ इतना सा फर्क रह जाता, बाकी सब मेरे पास सेम टू सेम रहता, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल टू इक्वल टू, और ये मेरे पास बस यहाँ पर क्लोज आ जाता, ये वाले भी क्लोज हो जाते, ये वाला भी क्लोज हो जाता, नीचे समझ आए तेरे को, सिर्फ इतना सा फर्क होता। उसके बाद 11वीं, ग्यारहवें नंबर की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस के अंदर x माइनस सी लेस देन ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मॉडुलस के अंदर x माइनस का c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b, फिर से वही काम, मॉडुलस है तो प्लस भी देगा माइनस भी देगा, जिसकी वजह से दो केस बनेगा, एक कहेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का c और लेस देन इक्वल टू b, और एक कहेगा कि a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का x माइनस का c और लेस देन इक्वल टू b, तो इसके हिसाब से माइनस का सी इस तरफ आ जाएगा, इधर भी चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा a प्लस का c इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b प्लस का c, और इसके हिसाब से ये माइनस दिया हुआ है, हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये मिल जाएगा माइनस का a ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का x माइनस का c, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का b, ये मिल जाएगा। इसको तो सॉल्व कर चुके हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा a प्लस के c से लेकर क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, a प्लस के c से लेकर b प्लस का c, ये तो सॉल्व कर चुके हैं, इस पे काम करते हैं। माइनस का c हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का c ग्रेटर देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का b प्लस का c, तो आ जाएगा जो x है वो बिलोंग करेगा कि माइनस के b प्लस के c से लेकर माइनस के a प्लस के c तक। तो ऐसे बोला जा सकता है कि ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने के लिए उसके हिसाब से x बिलोंग करेगा माइनस के b प्लस के c कॉमा माइनस के a प्लस के c, और यूनियन ये वाला a प्लस का c कॉमा b प्लस का c, ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ये लेना, ये कह रहा है वो लेना, तो मैं दोनों को लूंगा, तो इसलिए यूनियन लगा के लूंगा, ये समझ आया। और अगर यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये भी नहीं होता, यहां पर आ जाता ओपन, यहां पर आ जाता ओपन, यहां भी आ जाता ओपन, अगली प्रॉपर्टी बन जाती 12वें नंबर। तो एक एक प्रॉपर्टी का तो मेरा फायदा हो जा रहा है, मेरे को बताना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में बस ओपन और क्लोज का फर्क आ रहा है, बाकी तो सब वही है ना। यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, समझ आए सिंपल। तो प्रॉपर्टी नंबर 12 और ये प्रॉपर्टी नंबर खत्म, समझ आए। तो ये प्रॉपर्टी थी मॉडुलस की, और इनइक्वालिटी का यूज हो रहा था इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद आता है एक गजब चीज, एक बड़ी ही गजब की चीज है, अब एक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं तेरे को, मतलब किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, रैशनल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, और वहां पे काम करेंगे। एल्जेब्रिक या फिर रेशनल इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन हो चाहे तेरे पास, जैसे देख मान ले तेरे पास कोई भी रेशनल इक्वेशन लिखी होगी पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो, वो जीरो वो जीरो, चारों में से कुछ भी हो सकता है। किताब वाला मुझसे कह रहा है कि उसको प्रॉपर्टी बता दे, कह रहे या तो पी एक्स एक्स कर दे, फिर दोनों को पॉजिटिव कर दे, फिर वहां एक जगह प्लस माइनस ऐसे कर, साइन चेंज होगा, वो कर। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं आता, मैं चीजों को समझता ही नहीं, मैं उसको देख खुद बनाऊंगा, तो खुद बनाने के लिए फिर ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं किताब वाला देखने का ही नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं कई देर से पहले भी मैंने कई बार पढ़ा हुआ इस चीज को कि इसको प्लस बनाना है, इसको माइनस बनाना है, फिर साइन चेंज होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, लेकिन आज भी नहीं आता है, तो इसलिए वो तो भूल जाता हूँ मैं। तो मेरा जनरल तरीका ये है कि उसको मैं निकालूंगा, चाहे मेरे पास हाँ टाइम लग रहा है, लेकिन मैं निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, निकालना मेरे को आ जाएगा तो फायदा रहेगा। जैसे सवाल में कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन x इज x माइनस वन अपॉन x और ये लेस ग्रेटर देन, सॉरी मैं साइन भूल गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि x माइनस का 1 अपॉन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब उसके हिसाब से काम करता तो फिर जो मन करता है वो करता, लेकिन मेरे को नहीं पता, वैसा करूंगा भूल जाएगा, तू भी भूल जाएगा, फॉर्मूला आएगा, क्योंकि याद करेगा और हर याद करी हुई चीज कभी ना कभी भूली जरूर जाती है। तो सॉल्व करने के लिए देख क्या करेगा, प्लस का 2 है, सबको एक तरफ उठा के ला, सबको एक तरफ उठा के ला, चाहे जितनी भी क्वांटिटी हो, प्लस की हो माइनस की हो, चाहे जो हो, एक ना एक तरफ जीरो छोड़, बस सबसे पहले रिजल्ट है, सबको एक तरफ उठा के ला, तो ये प्लस का तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन में x इज माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्या करेगा, एलसीएम ले, 1 माना, ये हो गया x माइनस का 1 माइनस का 2x अपॉन में x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x में से माइनस का 2x गया तो माइनस का x और माइनस का 1 अपॉन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख एक काम तो कर सकते, नहीं करेगा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कर सकता है तो कर दे। यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वन है, दोनों जगह से माइनस कॉमन है, तो जब दोनों जगह से माइनस कॉमन लेगा, इसका मतलब यह है कि जब दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का अंदर हो जाएगा एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला माइनस है, हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन होगा चेंज, तो साइन चेंज होने के लिए मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा प्लस का एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक तू कर सकता है, हाई ना में जवाब दे, इतना मैं सिखाने नहीं आया था, इतना मैं बताने आया था, करने आया था, ये सिखाना सिखाना नहीं था मेरे को, क्योंकि ये मैंने सिखा दिया तेरे को इतनी देर में। अब देख क्या करेगा,
उसने कहा है ये लिखा हुआ है रेशनल की फॉर्म में लिखा है, मैंने कहा ठीक है ये जीरो होगा। अब उसके हिसाब से काम करता तो मैं फिर सीधा ट्रिक लगाता, लेकिन ट्रिक का मेरे को पता ही नहीं, मैं भूल जाऊंगा। देख क्या होगा, ये जीरो कब होगा, एक्स प्लस का वन जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा। एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन होगा। और नीचे वाला जीरो कब होगा, देख ऊपर वाला जीरो कब होगा वो निकाल, नीचे वाला जीरो कब होगा वो निकाल। ऊपर वाला जीरो हो रहा था जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन था, और नीचे वाला जीरो हो रहा था जब एक्स इज इक्वल टू जीरो था। तो देखो यहाँ पर दो पॉइंट मिले हैं, एक मिला है माइनस वन, एक मिला है जीरो। उसको अरेंज कर दे रियल लाइन पे, यहाँ माइनस वन भर दिया, यहाँ जीरो भर दिया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी भर दिया, यहाँ प्लस इन्फिनिटी भर दिया। और कोई पॉइंट तो नहीं है, नहीं लेना मेरे को। अब उसने कहा कि इसमें, अब देखिए तेरे पास तीन अलग अलग केस बने, ये वाले ये वाले ये वाले, इन्हें उठा उठा के यहाँ पर पुट कर, और जो सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो तेरा आंसर होगा, अदरवाइज वो वाला आंसर नहीं होगा। जैसे देख माइनस इन्फिनिटी और माइनस एक के बीच में कोई भी नंबर उठा, जैसे माइनस का दस माइनस इन्फिनिटी और माइनस एक के बीच में आता है, तो जब मैं माइनस का दस यहाँ भरूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कि माइनस का दस प्लस का एक बटे में माइनस का दस, और माइनस का नौ बटे में माइनस दस, माइनस से माइनस कट जाएगा, नौ बटे में दस प्लस बचा। क्या कोई भी पॉजिटिव नंबर जीरो से छोटा होता है? नहीं, कंडीशन गलत है, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नौ बटे में दस एक पॉजिटिव नंबर है, और वो पॉजिटिव नंबर जीरो से नहीं छोटा होता और बराबर भी नहीं होता। तो नौ बटे में दस कंडीशन नहीं है, गलत है। अब माइनस एक से जीरो के बीच में कुछ भी उठा, माइनस का एक बटे दो, मान ले माइनस का एक बटे दो रखेगा यहाँ पर, तो तेरे को मिल जाएगा माइनस का आधा, माइनस एक से जीरो के बीच में आता है, तो ये मिल जाएगा माइनस का एक बटे दो प्लस का एक बटे में नीचे भी माइनस एक बटे दो, एक में से आधा गया तो एक आधा ही बचेगा प्लस का, और नीचे माइनस आधा, माइनस आधे से प्लस आधा कटा तो मेरे पास माइनस का एक बचा, और माइनस का एक छोटा होता है जीरो से, या बराबर या फिर छोटा, तो छोटा होता है मैं उसको ले लूंगा। तो माइनस एक जीरो से छोटा होता है, कंडीशन सही है, तो ये वाला आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है जीरो से इन्फिनिटी के बीच में एक आता है, कुछ भी ले सकता हूँ, एक दो तीन चार पांच जो मेरा मन करे, लेकिन एक आ रहा है तो मैंने एक ले लिया, आसान पड़ेगा। तो एक और एक दो बटे में एक, तो कह रहे हैं दो बटे में एक, दो बटे में एक छोटा होता है जीरो से, क्या दो जीरो से छोटा होता है? नहीं, कंडीशन गलत है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो तेरा आंसर किस किस के बीच में सेटिस्फाई हो रहा है? माइनस एक से जीरो के बीच में, तो इसलिए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस एक से लेकर जीरो। अब इक्वल टू लगाना है, तो यहाँ पर देख इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो क्लोज लगाना है, और नहीं लगा होता तो ओपन लगाना है। तू ऐसे कर सकता है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये समझ आया तेरे को? एक और करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि x माइनस वन की पावर थ्री और x प्लस का वन इज लेस देन जीरो, कि x माइनस, या एक कोई दूसरा लेते, पहले यही लेते हैं, x माइनस वन की पावर थ्री और x प्लस का वन इज लेस देन जीरो, x माइनस वन की पावर थ्री और x प्लस का वन इज लेस देन जीरो। देखिए क्या होगा, कुछ करना तो नहीं है, नहीं करना तो सबसे पहले ये वाले रिजल्ट देख, ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू वन होगा, और ये वाला जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस का वन होगा। तो इसके हिसाब से दो पॉइंट मिले, एक मिला माइनस वन, एक मिला प्लस का वन, और यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक के बीच में माइनस का दो आता है, अगर मैंने यहाँ माइनस का दो भरा तो मेरे को मिल जाएगा माइनस दो माइनस एक की पावर तीन, और यहाँ मिल जाएगा माइनस का दो प्लस का एक लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस दो माइनस एक माइनस तीन, माइनस तीन की पावर तीन करूंगा माइनस का सत्ताईस, और यहाँ मिल जाएगा माइनस का एक, माइनस का सत्ताईस माइनस एक, प्लस का सत्ताईस होता है, और क्या प्लस का सत्ताईस जीरो से छोटा होता है? तो कंडीशन गलत हो गई, तो कंडीशन गलत होने के लिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। अब माइनस एक से एक के बीच में मान लीजिए जीरो आता है, तो जीरो उठा के रख दूंगा, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एक की पावर थ्री, और ये वाला जीरो प्लस का वन लेस देन जीरो। जीरो में से क्या माइनस एक, माइनस एक की पावर तीन करूंगा माइनस एक मिलेगा, और एक का तो एक ही होता है, तो माइनस एक में एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक मिल जाएगा, और माइनस एक जीरो से छोटा होता है, कंडीशन सही है, तो ये वाला आंसर होगा। एक से इन्फिनिटी के बीच में दो आता है, तो दो पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा दो माइनस का एक की क्यूब, और यहाँ पर दो प्लस का एक लेस देन जीरो। दो में से एक या एक मिलेगा, एक की पावर तीन एक ही होता है, और दो और एक तीन हो जाएगा, और तीन एकम तीन जीरो से छोटे नहीं होता, कंडीशन गलत है, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो आंसर कहाँ से कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? माइनस एक से लेकर एक में, तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा माइनस एक से लेकर एक, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा, तो इक्वल टू ना लगा होने के लिए यहाँ पर ओपन आ जाएगा, समझ आया? तो एक्स बिलोंग करेगा माइनस एक से एक तक। उसके बाद
एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5x माइनस का 1, 5x माइनस का 1 और ये लेस देन, ये लेस देन x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ये भी लेस देन 7x माइनस 3। क्वेश्चन में कह रहा है ये और फिर ये पूरा। अब देख क्या होगा कि सवाल दिया होगा तो फिर से दो कंडीशन है, एक बार कहूंगा तू इससे छोटा है, एक बार कहूंगा तू इससे छोटा है, तो दो अलग अलग केस बनेगा। और दो अलग अलग केस कुछ इस तरीके से बनेगा कि या तो एक काम कर यही बना ले, एक बार ये इससे छोटा है तो इसका मतलब है कि 5x माइनस का 1 छोटा है x प्लस के 1 का होल स्क्वायर से। अब देख ये 5x माइनस का 1 पूरा का पूरा इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, कर दें इतना तो करने पे हो जाएगा ये 5x माइनस का 1, हमको मिल जाएगा रिजल्ट कि ये x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 5x माइनस का 1 और ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 0, ये हमको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्योंकि x प्लस 1 की तरफ ग्रेटर देन लगा था तो इसलिए हमने यहाँ पर भी ग्रेटर देन लगाया, 0 का 0 तो है ही है। इसका स्क्वायर खोलेंगे हम तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 5x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0 और ये रिजल्ट हो जाएगा x स्क्वायर 2x में से 5x गया माइनस 3x प्लस का 1 और 1 हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0 और इसके फैक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस का 2 और x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। और जब इधर सॉल्व करेंगे तो इसको इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x माइनस का 3, सॉरी 7x माइनस का 3, ये पूरा का पूरा नंबर इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो रिजल्ट बन गया x प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इज लेस देन 0, ये आ गया। अब ध्यान से देखो ये प्लस का नंबर, एक सेकेंड, ये प्लस इसको खोल दो स्क्वायर को तो मिल जाएगा तुमको x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3 इज लेस देन 0, तो ये हो गया x स्क्वायर 2x में से 7x गया तो माइनस का 5x 3 और 1 प्लस का 4 इज लेस देन 0, तो सॉल्यूशन आ गया x माइनस का 4 और x माइनस का 1 इज लेस देन 0। दोनों को सॉल्व करो, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो रिजल्ट मिलेगा, एक तो प्लस का 2 और एक प्लस का 1, क्योंकि ये 0 कब होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा, ये 0 कब होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी उठा के जब सॉल्व करेंगे तो एक ने कहा माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक के बीच में कोई नंबर बताओ, हमने कहा मान लो माइनस का या जीरो मान लो, तो जीरो मान लेंगे तो जीरो माइनस दो तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऊपर वाला मिटो देते हैं जगह मिल जाएगी हमको, ये रिजल्ट हमको मिल गया यहाँ पर। देख यहां समझा देते हैं इसको, ऊपर लिख के पहले एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 और एक्स माइनस का 4 एक्स माइनस का 1 लेस देन 0, ये रिजल्ट हमको मिल गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इस वाली को, सबसे पहले ये जीरो कब होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा, ये जीरो कब होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा, दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ इंफिनिटी यहाँ माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में 0 आता है तो 0 में से 2 गया माइनस 2, 0 में से 1 गया माइनस 1, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है तो ये वाला आंसर होगा, ये समझ आए तुमको। फिर यहाँ पर मान लो 1 से 2 के बीच में आधा आता है तो आधा रखने पर आधे में से 2 गया तो तुमको कितना मिलेगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है शायद, यहाँ पर हमने 0 रखा था ना, तो 0 रखने पर तो माइनस 2 और 0 माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मान लो जैसे तुम क्या करोगे, यहाँ पर आधा रखोगे तो आधा रखने पर तुमको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये वाला रिजल्ट आधा रखने पर मिल जाएगा कि 1 से 2 के बीच में 1 बटा 2 आता है, 1 बटे 2 का आधा नहीं रख सकते, 1 से 2 के बीच में 1 बटे 2 आता है, सॉरी 1 से 2 के बीच में डेढ़ आता है, 1:1/2 आता है, जिसका मतलब 3/2 होता है, हम गलत सोच रहे थे, हमको लगा आधा आता है, नहीं 3/2 आता है, तो जब 3/2 पुट करेंगे हम तो 3/2 पुट करने पर ये माइनस देगा तो ये दे देगा, ये रिजल्ट तुमको माइनस देगा, ये रिजल्ट तुमको प्लस देगा, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस जीरो से बड़ा नहीं होता तो कंडीशन गलत हो जाएगी, करके दिखाएं 3/2 माइनस का 2 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 3/2 माइनस का 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 में से 4 गया माइनस 1/2 और ये वाला हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 का मतलब माइनस 1/4 और माइनस 1/4 जीरो से बड़ा नहीं होता, कंडीशन गलत है तो इसलिए ये नहीं होगा। 2 से इन्फिनिटी के बीच मान लो 3 रख दोगे तो 3 में से 2 गया 1 इंटू में 3 में से 1 गया 2 बड़ा होता है 0 से तो कंडीशन हो जाएगा, तुम्हारे पास 2 आंसर आया।
दो अलग अलग केस बन रहे हैं। एक केस में कह रहा है कि x बिलोंग करेगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक तक, यूनियन दो से लेकर इन्फिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा, और इसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये कह रहा है ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू चार होगा, और ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू वन होगा। तो एक ने वन कहा, एक ने चार कहा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से एक के बीच में मान लो जीरो आता है, तो जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा कि जीरो में से चार गया माइनस का चार, और जीरो में से एक गया तो माइनस का एक, लेस देन जीरो। माइनस चार माइनस एक प्लस का चार होता तो प्लस का चार जीरो से छोटा। कंडीशन गलत है, नहीं लेंगे। एक से चार के बीच में दो आता है, दो पुट करेंगे तो दो में से चार गया माइनस दो, और दो में से एक गया तो प्लस का एक, लेस देन जीरो। तो माइनस दो और एक जीरो से छोटा होता है, कंडीशन सही है, ले लेंगे। चार से इन्फिनिटी के बीच में पांच आता है, पांच पुट करेंगे तो पांच में से चार गया एक, इंटू में पांच में से एक गया चार। तो क्या चार जीरो से छोटा होता है? नहीं। कंडीशन गलत है तो नहीं लेंगे। ये तुमको समझ आया? अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि यहाँ पर एक ही रिजल्ट आ रहा है एक से लेकर चार, तो हमने कहा चलो ठीक है, उसके हिसाब से आंसर आ रहा है x बिलोंग करेगा एक से लेकर चार। अब इसको आपस में कंबाइन करो कि तीनों एक किस पॉइंट पर आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर तीनों के तीनों आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर कहीं पर भी नहीं हो रहे तो फिर नो सॉल्यूशन बोल देंगे। जैसे देखो, माइनस इन्फिनिटी से एक, मतलब ये वाला एक, ये वाला माइनस इन्फिनिटी, ये वाला दो, ये वाला चार, ये वाला प्लस इन्फिनिटी। एक ने कहा माइनस इन्फिनिटी से एक, ये वाला सारा। एक ने कहा दो से इन्फिनिटी, ये वाला सारा। एक ने कहा एक से चार, ये वाला सारा। ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहां पर डबल सर्कल लगा हो। ये वाला पॉइंट है, इस पे डबल सर्कल लगा है। मतलब देखना, क्योंकि ये कह रहा है इधर से इधर, कोई दूसरे कोई सहमत ही नहीं हुआ इस पे। ये कह रहा है इधर से इधर और दूसरा कोई सहमत ही नहीं हुआ इस पे। एक कह रहा था यहां से यहां, और दूसरा आगे कह रहा है यहां से यहां। तो दो बंदे थे जो इस जगह सेटिस्फाई हो गए। तो इस जगह सेटिस्फाई होने का मतलब ये कॉमन पॉइंट मिल गया, तो इसलिए एक्स जो है वो बिलोंग करेगा फाइनली दो से लेकर चार तक। ये समझ आया? तो एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी दो से लेकर चार तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना, हमको नहीं लगता और कोई तुम्हारा रिजल्ट बचा हुआ इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी में सब बता दिया है, प्रॉपर्टी बता दी है मॉडुलस का, उसके अलावा इक्वेशन सॉल्व करने बता दिए हैं। बेसिक तो बड़ा अच्छे से समझाया तुमको, उम्मीद है पूरा समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा तो तुम गधे हो भैया बिल्कुल। फिर तो चलो, मिलते हैं तुमको अगली क्लास में, पढ़कर आना अच्छे से। बाय।